ठीक है, ओके जी। नमस्कार, नमस्कार, आदाब। आज की निशस्त में हम अपने जम्मू कश्मीर के एक मशहूर, स्थापित, रिप्यूटेड और वेटरन साहित्यकार, कथाकार और कहानीकार, मैं कोई एडजेक्टिव्स नहीं जोड़ सकता, इतने इतनी बड़ा उनका वो व्यक्तित्व है, तो मैं उसको यहाँ पे अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा शायद। चंद्रकांता जी, जिनका बहुत नाम है और जिन्होंने बहुत खूब कहानियाँ, नॉवेल्स लिखी हैं, ज़्यादातर गद्य लिखा और कुछ पोइम्स भी लिखे, उनके साथ आज हमारी ये अंतरंग बातचीत चलेगी और मैं अब उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आजकल तो आपको मालूम है कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लड़ रहे हैं, सारे लोग इससे लड़ रहे हैं और वांट टू कम आउट ऑफ इट, सभी सभी इसे अलग, मतलब बाहर आना चाहते हैं। तो इस बीच में बिल्कुल जहाँ मतलब और सारी गतिविधियां तो रुक गई है, लेकिन ये गतिविधि जो है, जो वर्चुअल जो इंटरव्यूज है या अपने साक्षात्कार है, इसकी बहुत जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये हमें बहुत तरीके से। जुड़े रहती है जी मेरे जी हिसाब से। तो आपका तो परिचय देने का जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं में एक बहुत बड़ा परिचय है और आपने तो मतलब कितना ही नाम और कितनी ही मतलब और अर्जित किया है आपने। कोई ऐसा नहीं कि किसी किसी ने आप पे थोप दिया है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, आपने अर्जित किया, बहुत सख्त मेहनत की है आपने जिंदगी में और बहुत एक ऐसी दृष्टि पैदा की है जिसको जब हम देखते थे, जब मतलब हम हमारी पीढ़ी देखती थी, तो हम प्रेरित होते थे उस दृष्टि से, और हमारे लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत रही है। और आपने ढेर सारे कहानी संग्रह, ढेर सारी नॉवलें लिखी और बहुत जो मेरिट और जो बहुत ही दमखम की नॉवलें हैं वो लिखी है, जिनका एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त है और जो बहुत इम्पैक्टफुल है, और ऐसी आपने नॉवलें लिखी है और इसकी आपको रिकॉग्निशन जो है वो सारे वर्ल्ड में मिली है। मैं यहाँ पे आपको निवेदन करूंगा कि आप अपने जन्म स्थान, जन्म और आपकी परवरिश के बारे में हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कहाँ पे पैदा हुई और बिल्कुल आप किस प्रकार से आपने ये रचना के साहित्य और रचना के इसमें क्षेत्र में आपने कदम रखा। सबसे पहले अपने जीवन के बारे में, अपने मतलब आगामी जी मतलब क्या नाम शुरुआती जिंदगी के बारे में बता दीजिए, बचपन से। जरूर जरूर। आप तो जानते हैं कश्मीर से हूँ और मेरा जन्म हुआ है, जैसे जन्मतिथि तो आपको मालूम, वैसे और तो को पूछनी नहीं चाहिए, जन्मतिथि वो लिखी हुई है। मैं प्रोफेसर आरसी पंडिता की बेटी हूँ, जो गणपति आरसी नगर में रहते थे, वितस्ता किनारे जी हमारा मकान। तो बचपन से कि ऐसा था, बड़ा मकान था, 5 मंजिला मकान, चौथी मंजिल के पर वो लड़कियों का कमरा रहता था। तो वहां पर एक बेंच नुमा जगह थी जिस पर मैं बैठती थी बचपन से ही। मैं इसे जरूर जी जी कहना चाहूँगी, बचपन में थोड़ी सी अलग थी मैं बहन भाइयों से। जैसे बहन भाइयों का अपना एक तरीका, घर में एक आभिजात्य होता है, तो कुछ एक नियम होते हैं। पिताजी हालांकि जी प्रोफेसर थे, थोड़ा उदार तो थे, जी पर फिर भी घर जो हमारे लिए संहिताएं होती वो तो थी, तो उसमें मैं अड़ती नहीं थी। तो वो लोग भी सोचते थे जी क्या करे, पता नहीं बैठ कर क्या करती, हमारे साथ उठती बैठती नहीं। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ी अलग थी, मेरा मन उन जी चीजों में नहीं रमता जिनमें और लोगों का रमता था। तो ये जैसे कि कहा कि आप तो जानते हैं वितस्ता के दोनों किनारे मकान रहते हैं, तो मैं जी मकानों के पीछे से जो पहाड़ होते थे और बर्फ ढके पहाड़, उनको देख मुझे बहुत पसंद आता, बहुत अच्छा लगता था। खासकर जब सूर्य किरणें पड़ती थी पहाड़ों पर, ऐसा लगता था, मैं सोची अच्छा ये सूर्य को प्यास लगी होगी तभी वो पानी लेने आता है। कितनी कितनी उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? तो उस वक्त ये 10-11 साल के होते, इतना उस वक्त, आजकल के 10-11 बच्चे होते हैं तो बड़े होशियार होते हैं, पर हम थोड़े बुद्धू थे जमाने में, कि उतना ओपन नहीं था ना जो इंफॉर्मेशन का जो आज है। बहरहाल तो ये था, मैं कहने का मतलब है जिज्ञासा है, क्यों कैसा मन में। कुछ प्रश्न पूछती थी मैं घर से, घर वालों से, तो वो कहते थे क्यों, उनको लगता था कुछ अटपटा है, समथिंग रॉन्ग, ये क्यों ऐसे सवाल पूछती है। बहरहाल जैसे मैं एक बात आपको सुनाती हूँ, वहाँ कश्मीर में, वहाँ
गंगाधार में हम रहते थे, सड़क के पार, हमारा घर जो था एक तरफ नदी के किनारे और दूसरा साइड बाजार में खुलता था, दो मकान थे, तो वहां सड़क के पार एक रहते थे, उनको ब्रिज जी मस्ताना बोलते थे, पता नहीं वो ऐसे अच्छा तलवार वलवार घूमते थे कुछ, उनका अलग तरीका था। दो भाई थे, उनके घर में औरत नहीं थी, इन्हें कहीं से कोई हरिद्वार वगैरह से कोई औरत लाई थी, तो वो जी बेचारी थोड़ी सी अपर, पर ठीक है वो थी, उनका एक बच्चा सुंदर सा बच्चा दिया था उसने, पर उसको जी बहुत मारते थे, बहुत समझ में नहीं आता क्यों, शायद वो काम नहीं कर पाती होगी हाथ में थोड़ी सी, पर एनीवे उसका रोना और चीखना मुझे बहुत दुखता था मन, और मैं घर में पूछती थी, तब मैं जिंदा ही थी, बाद में वो गुजर भी गई, मैं उसको पूछी ऐसा क्यों क्यों मारते, वो कहते ऐसा नहीं कुछ, ये होता रहता, चलो छोड़ो छोड़ो बात, ऐसा कुछ नहीं, अंदर आओ अंदर बैठो, तो एकदम से जो मन जिज्ञासा होती है उसका शमन नहीं होता था। बाद में उसने आत्महत्या की, तो उस वक्त मैंने पूछा क्या, वो बोले नहीं अंदर आओ देखना नहीं चाहिए, मुझे लगता है तब लड़की को एक तरह से प्रोटेक्ट करते थे कि वो कुछ ऐसे गलत ना देखे, वो पता नहीं क्यों क्या था बड़ों के मन में क्या था, ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि बचपन से मैं बहुत ज्यादा जिज्ञासु थी, एक बात। दूसरी बात, मुझे प्रकृति से बहुत ही प्यार था, हालांकि घर हमारा जहाँ पर था वो तो बड़ा मोहल्ला भरा पूरा, उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं, बाग वाग कुछ थे नहीं, बाग बगीचे वहां पर, नदी थी तो नदी को रात को दिन को देखना, चांद कैसे चांद आकाश पर है, लहरें किस तरह ऊपर उठती हैं, तो ये सब दिमाग में था। बाद में ये जो जैसे बचपन की बात कर रही हूँ, तो बाद में जब मेरी माँ बीमार हो गई थी, उसको क्षय रोग था, बाद में उसको कहते, उस दिन उन दिनों तो इलाज नहीं था टीबी का, तो कहते थे कि मैं इनको शुद्ध हवा सेवन के लिए ले जाइए तो ठीक हो जाएंगी, तो वहां पर जाके फिर मैं खुले में आ गई, जैसे पहाड़ों पर ले जाते थे, और पहले हम मुजफ्फराबाद गए, जैसे अरे बचपन में छोटी थी मैं, तो वहां भी हम कृष्ण गंगा अच्छा नदी बैठे घूमते थे, तो लगता था कि खुलापन, घरों में वो नहीं था उन दिनों, खासकर शहरों में तो होता नहीं था। अरे तो बाद में, मुजफ्फराबाद जो जो पीओके में है, पीओके हाँ में हाँ है वहाँ। हाँ अच्छा कृष्ण कृष्ण गंगा बड़ी जबरदस्त नदी थी, गंगा और जाते थे नहाने, नहा क्या जाते, बचपन था, पर बचपन में भी लड़कों को पता था कि भाई वहाँ, जैसे मुझे लगता है वहाँ पहाड़ी औरतें थी, पहाड़ी, कानों में बड़े बड़े वो गोल पहनते थे, डोमिन भी जी नहीं थी, अच्छा मुझे नहीं, तो खैर वहां भी थोड़ा सा बचपन अच्छा एंजॉय किया वहां में, हालांकि माँ बीमार थी, पर बच्चों को इतना होश नहीं रहता, कहते माँ साथ है तो सब अच्छा है। आगे फिर हम और जगहों पर गए उनको लेकर, गांधरबल गए, जी एक रूपश नाम है, पता नहीं भोज पक्ष के पेड़ होते होंगे वहां पर, उसका नाम पड़ा है वहां पर, क्या वहां पर नाम मैं खूब था, बादल, क्या स्थान उसको का नाम गुरुपश क्या था? बोलते, अच्छा गुरुपश बोलते, गांधर से ऊपर नुनर है एक गांव, हाँ नर के, और नर वो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है वो, बिल्कुल जैसे आपके ये पाइन ट्रीज होते हैं ना, बिल्कुल हमारे सा मकान, बड़ा एक बंगला था छोटा सा, तो चारों तरफ हवा जी खुली, और बादाम के ठीक पेड़ थे, पर सामने वो पहाड़ थे और चीड़ के दरख्त थे, तो हमने सुना था कि चीड़ की हवा बड़ी जीवनदायिनी होती है, और माँ वहां पर ठीक हो जाएगी, उसके बारे में भी एक दो बातें जरूर बताऊं, बच्चों का मन कैसा होता है, उस उम्र 11 साल की थी, 18 साल की कुछ, तो वहां मेरी सखियां तो थी नहीं, कोई एक ही घर था जो कश्मीरी पंडितों का था एक, वो भी थोड़ा नीचे, तो मैं वहां जाती थी उसको सखी बना दी, वो मैं उम्र में कम से कम मेरे 3 गुना बड़ी थी, तो अब कोई था नहीं तो वो सखी वही थी, तो उसके साथ बातचीत करती थी, तो वो क्या करती थी, वो जाती थी जैसे मक्का के खेत होते, आपको जानते होंगे थोड़ा ऊपर होते वहां पर थे मक्का के, वो भुट्टे तोड़ने जाती थी, मुझे साथ ले जाती थी, उसको लगता था ये तो शहर की लड़की है, अब कोई देखेगा भी तो उसको बोलेंगे अरे शहर की लड़की, इसको कुछ मालूम नहीं है तो माफ करेंगे, खैर वो तो भुट्टे तोड़ने जाती थी, पर मैं भुट्टे नहीं तोड़ती थी, मैं जाती थी चीड़ू के पार पार, जंगलों के पास पास, वो मना करते उधर मत जाओ उधर शेर होता है कुछ ऐसे बोलते थे, मैं क्यों जाती थी, मुझे आज मैं सोच, मैं क्यों जाती थी, मैं वहां से जैसे नीचे गिरते हैं चीड़ के पत्ते गिरते हैं, थोड़ी टहनियां छोटी छोटी, तो मैं वो उठा के लाती थी, उठा के लाती थी, फिर घर आती थी, घर जहाँ पर बंगला था उसमें आती थी, मैं वो चीड़ की छोटी छोटी टहनियाँ माँ के सिरहाने रखती थी, आज मैं सोच रही हूँ बच्चों का मन समझने की हम कोशिश ही नहीं करते, मुझे मैंने सुना था कि माँ यहाँ ठीक होगी क्योंकि चीड़ों की जो हवा है वो उससे बीमार ठीक हो जाते हैं, तो मैं उसके सिरहाने रखती थी, तो घर वाले डांटते थे उफ वो गंदा कर दे, पता नहीं क्या करती है लड़की, वो समझती नहीं थी ये क्यों रखती, ऐसे एक और इंसिडेंट जैसे एनेक्डोट्स तो लाइफ में बहुत होते हैं, माँ के साथ तो बहुत है मेरे,
तो एक बार क्या हुआ, मैं वही जो कमली नाम था उसका, तो मैं वो मुझे अखरोट अखरोट खिलाती थी ना, चलिए अपनी तरफ से वो आती थी। तो एक अखरोट मैंने खाया, थोड़ा खाया तो बड़ा मीठा लगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत मीठा है, माँ को भूख नहीं थी, आप जानते हैं जो क्षय रोग में भूख मर जाती है। तो मैं चाहती, मुझे याद है फ्रॉक के घेरे में मैंने वो आधा अखरोट खाया, आधा लपेट के ले गई, दौड़ी दौड़ी गई माँ के पास। माँ तो खाना पीना बेचारी भूल गई थी, उनको भूख ही नहीं थी। मैं गई, मैंने उसे कहा मुँह खोलो, वो कहते क्यों छेड़ती है, मेरी तबीयत ठीक। मैं कहती नहीं, मुँह खोलो, बच्चों का हर जैसा होता है। खैर मैंने उसको मजबूर किया मुँह खोलने के लिए, मुँह खोला उसने। मुँह खोला तो मैंने वो, मुझे याद है वो शबरी के बेर जैसे थे, आधे खाया था मैंने वो, थोड़ा सा आधा अधूरा था, तो मैंने कहा मुँह में डाल, मैंने कहा खाओ। मुझे याद है आज वो एक्सप्रेशन में बोल नहीं पाते। उसने खाया, जो बिल्कुल नहीं खाते, भूख मर ही गई थी उसकी, उसने खाया, उसके मुंह पर हर किसी मुस्कान आई। वो मुझे कलंदर बोलती थी बस। तो अरे कहाँ से लाई, कैसे लाई कलंदर, कहाँ से लाई, बड़े मीठे, मुझे ये बात याद आती। जो औरत कितना पिताजी करते थे, मतलब कर सकते थे, उनमें क्षमता थी और थे अच्छे उलझन पर थे, कुछ नहीं पर ये नहीं। मैंने कहा, अब मैंने उस वक्त, मुझे याद है, अब मंगाओ, अब नहीं मिलेगा ऐसा अखरोट। बड़ा शान आ गई ना मुझे कि माँ ने खाया, और सचमुच पिताजी ने कितनी कोशिश की, बोली नहीं वैसे नहीं। क्या था उसमें, आपकी क्या आपकी क्या पदार्थ एज थी था, उस वक्त? एज कोई 10 साल के आसपास, 10 के आस, पेड़ों पर अच्छा मैं चढ़ती थी, अच्छा आपकी बादाम तोड़ती थी, वो मेरी आदत थी। तो स्कूलिंग कहाँ खैर हुई? ये छोटी स्कूलिंग पहले माँ की वजह से, जैसे माँ बीमार थी तो स्कूलिंग घर में मोस्टली हुई है बचपन, हम समझ लीजिए। नहीं बीच में स्कूल भी गई थी, मुझे याद है मैत्रेय मिडिल स्कूल हुआ करता था वहां पर, कुछ 2 4 साल, तीसरी चौथी तक शायद, पर ज्यादा घर किस में ही जगह? हुई। फिर जब उधर गई तब मैं, तब हम, हमारी स्कूलिंग बराबर ठीक हुई, मतलब प्रॉपर जैसे होती। उसमें भी शायद आप जानते होंगे कश्मीर में उन दिनों हिंदी का ज्यादा प्रचार नहीं था, लड़कियों के लिए वसंत हाई स्कूल वगैरह वहाँ पर थोड़ा बहुत जाते थे बच्चे, लड़कियाँ जाती थी, पर बाकी ज्यादा नहीं था। हमारे पढ़ाने आते थे मास्टर जी वगैरह, थोड़ा बहुत सिखाते, अंग्रेजी अंग्रेजी भी थोड़ा पढ़ाते थे। तो वहाँ पर मुझे याद है एक, पता नहीं आपने सुना है, त्रिभुवन कौल नाम था, उनकी बहन थी बिमला कौल, वो काफी हिंदी का प्रचार करते थे, वो दिल्ली से बड़ा आए थे वहाँ। उनका टंकीपुरा के पास जगह है, वहाँ पर उनका एक बड़ा सुंदर सा बंगला था, वो बादाम बादाम पे शायद व्यापार करते थे क्या थे, वो ऊपर का बड़ा सा हॉल था, हमेशा बादाम से भरा रहता था, हरे बादाम जैसे होते। नीचे 5 6 कमरे थे, उन्होंने वो स्कूल को, मतलब उसका नाम रखा था ओरिएंटल कॉलेज, हिंदी के लिए था, वहाँ पर हिंदी की परीक्षा थी, को रतन भूषण रवाकर ऐसे हुआ करते थे। तो वो आ गए हमारे पिताजी के पास, आप अपनी बेटियों को हिंदी सिखाई, हिंदी स्कूल में भेजिए। तो पिताजी भी थोड़ा हिंदी के पक्ष में तो थे, हालांकि लड़कों को वो हिंदी नहीं सिखाते, तुमको पता, इनका क्या बनेगा नौकरी करने आगे। तो खैर ने हमें भेजा, मुझे और मेरी बहन को। तो मुझे याद है वहां से, अगर मैं वो रत्नभूषण प्रभाकर हमने किया वहां, अगर हम ना करते, प्रभाकर तो बाद में किया, रत्नभूषण वहां किया कुछ साल, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हुई, 14 साल में शादी हुई थी, प्रभाकर मैंने बाद में किया। तब दूसरा, आपको याद होगा कमला जी थी और शंभुनाथ पारिमो का नाम याद सुना हो आपने, शंभुनाथ वो भी हिंदी पारमी का, उनकी पत्नी थी कमला जी, तो उन्होंने महिला महाविद्यालय नाम से खोला। फिर वो बिमला जी वगैरह तो चली गई, उनकी शादी वादी हो गई, तो महिला महाविद्यालय था वो सत्तू बरबरसा में था। तो वहाँ हमें, क्योंकि प्रभाकर जब मैंने किया तो मैं वहाँ से वहाँ जाती थी बाद में शादी वादी। पर एक बात, शादी तो बहुत जल्दी हुई मेरी, मेरी सिस्टर तो खाली 2 साल बड़ी है मुझसे, ज़्यादा बड़ी नहीं है। पर पिताजी ने एक बात, शायद इसलिए कि हमारी माँ जल्दी गुजर गई, तो उनको लगा था कि माँ मिल जाएगी, जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ। तो खैर माँ तो खैर क्या मिलती है, माँ तो कभी नहीं मिलती, फिर भी हमारे ससुराल वाले अच्छे थे, पिताजी ने उनसे वादा लिया था कि ये पढ़ेंगी, स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, इनको मना नहीं करना है, तो वो बात उन्होंने रखी। तो मुझे याद है ब्रह्म स्कूल में, घर से बानामौला में थे तब हमारे ससुराल जी, जी वहाँ जाती थी सत्तू बरबरसा प्रभाकर जब था, पर प्रभाकर करके बाद में हमें बाजाबता, जैसे बीच में ही शुरू किया था, घर में प्राइवेट पर पिताजी भी पढ़ाते थे। फिर हमारी एजुकेशन बड़ी अजीब सी हुई है, क्योंकि अब हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी बड़ा मुश्किल था, तो पिताजी तो आप जानते हैं अंग्रेजी के विद्वान थे, वो घर में ही आपका हमें मतलब है पढ़ाते कि थे। आपकी शादी होने के बाद आपके मतलब ससुराल में जाके भी आपने पढ़ाई जारी रखी? बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी बात बेशक, है कि उस जमाने में आप कॉलेज गए, वहां ससुराल में कॉलेज गए, हैं? कॉलेज भी जाते, स्कूल भी जाते,
और विमेंस कॉलेज था वहां पर, आपको पता होगा, रेजिडेंसी रोड पर हम रेजिडेंसी रोड पे। जाते थे अच्छा वहां से, और वहां पढ़ाई ज्यादातर की तो है। वहां भी किया। फिर मैंने ऐसे किया ना, पहले बाय पार्ट्स मैंने किया, मैट्रिकुलेशन अच्छा तो खैर कर लिया, बाद में ऐसे होता था जैसे इंग्लिश ओनली ऐसे, क्योंकि बाकी हिंदी हिंदी तो वो सब तो आता था, तो मुझे पहले अंग्रेजी में किया, फिर पर बीए में तो वो नहीं चलता था ना, प्राइवेट से आता, बीए में मुझे याद है मैंने विमेंस कॉलेज में दाखिला, शायद इसका एक कारण था कि पिताजी का लिहाज वहाज भी था, नहीं तो वैसा चलता नहीं था उन दिनों भी, मानते नहीं थे, अच्छा कुछ रूल्स रेगुलेशन तो तब भी थे, पर पिताजी का एक प्रभाव, वो खुद भी टीचर रहे थे, प्रोफेसर थे, तो वहाँ मैंने पहले कौन से इंग्लिश कॉलेज में किया, फिर प्रोफेसर थे वो? नाम बहुत बड़ा पहले तो सुना है उनका, एडमिशन अमर सिंह कॉलेज, वो दो अमर जो सिंह कॉलेज था कॉलेज तब में। वो रिटायर किया उन्होंने, कॉलेज के प्रिंसिपल, जम्मू में भी कॉलेज में थे, उन्होंने आपको पता नहीं होगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, करण सिंह तक उन्होंने सभी पढ़ा, सादिक वादिक जो भी थे, तो उनका एक रुतबा उनको था पढ़ाया। पिताजी का, हाँ हाँ उनको पढ़ा, शेख शेख को भी बहुत इज्जत करते थे, मुझे याद है शेख अब्दुल्ला हमारे घर आते थे, तब वो सीढ़ी पर, मुझे याद है उन दिन वो मिट्टी की सीढ़ियाँ करती थी, उन पर बड़े डालते थे वो कालीन वालीन, क्या शेख आना, शेख साहब था, तो वो लिहाज बहुत करता था, शेख भी करता था लिहाज, अब अंदर की बात हम नहीं जानते थे, बाहर से बहुत आदर करते थे वो, हम क्या बोलते, मुसलमानों का अलग खाना बनाते थे, हिंदू का अलग था, वो भी बुलाते थे, पिताजी भी जाते, कुछ मायनों में बड़े उदार थे, खैर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका एक प्रताप था, और आज भी मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मैं श्रीनगर गई थी, कुछ एनजीओ का था, वो होते हैं ना उनके प्रोग्राम्स वगैरह, तो वहाँ पर चंद्रकांता हिंदी वाली कौन जानेगा, और चंद्रकांता वो बोलते हैं ना पता नहीं कौन है क्या है, वो कहते हैं मैं बोलती इसको ना उपसर्ग न प्रत्यय, कौन है भाई, तो कुछ लोग पूछने लगे वहाँ पर, कुछ एल्डरली महिलाएं थी जो रिटायर्ड प्रोफेसर थी, वो भी थी उसमें, तो वो बोली आप कहाँ क्या है, मैंने कहा मैं प्रोफेसर आर सी पंडिता की बेटी हूँ, तो मुझे याद उनका एक्सप्रेस, ओ ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन, ये उनका एक्सप्रेस इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा चलो पिता के नाम से मैं जानी तो गई कि यहाँ पर, और ये बात यही बात मुझे हरे कृष्ण कॉल ने कही थी जब मैं 86 में आई थी श्रीनगर, आपको जी पता है 84 में मेरी आई थी, तो हमारे का आपने भी मुझे एक पत्र लिखा था, मुझे याद है, मुझे याद है पत्र जी लिखा था आपने, लिखा था जो हम यहाँ पर हैं, तो तुमने हमें हाथ पकड़ कर हमें हमारी जगह दिखा दिए, मुझे अच्छा वो पत्र मैंने रखा है संभाल के, तो इन्होंने क्या किया था हरि कृष्ण कॉल ने, उनको भी पता, उन्होंने एक समीक्षा भी लिखी थी उस पर, जी तो उनको बड़ा आश्चर्य, चंद्रकांता कौन है, पता नहीं अंग्रेजी कहाँ है, पंजाबी है क्या है, गुजराती कौन सी है, तो हरे मैं कृष्ण आई कोल खुद एक बहुत बहुत जबरदस्त कथाकार और बहुत ही जबरदस्त ड्रामा लिखने वाले, रेडियो ड्रामास, टेलीविजन प्लेस, बहुत जबरदस्त, हमारे बहुत ही अच्छे जानकार, और वो भी वो बहुत कहते जबरदस्त कश्मीर के प्रेम, एक्सप्रेशनिस्ट थे। जी तो उन उनके घर में फिर सबसे पहले मुझे मिलने आए थे अर्जुन देव मजबूर, उनका पत्र जब ऐलान के लिए जिंदा मैंने लिखा, तो उनका एक पत्र आया मेरे पास, मैं भुवनेश्वर में थी उन दिन, दिल्ली से मेरे पति भुवनेश्वर ट्रांसफर हुए थे, वहाँ पर बहुत अच्छा वो भी संभाल के रखा मैंने, मैंने मेरा एक मेरी किताब आई है मेरी सृजन यात्रा, उसमें मैंने काफ़ी लोगों का कर दिया है, मैंने उनका पत्र भी दिया, तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा, बहुत खुश थे, इतने खुश जैसे खुद ही उनको कोई बड़ी पदवी मिली हो, मन के सच्चे थे, सच में ऐसे लोग भी बहुत कम होते, बहुत आशीर्वाद है, अब जब ये बोलते उस वक्त तो बहुत तारीफ की, मेरी बहन ने ये काम किया वगैरह वगैरह, पर मुझे याद है जैसे कश्मीरी हम लोग कश्मीरी के बहुत बड़े हस्ताक्षर अर्जुन देव मजबूर, बहुत बड़े हस्ताक्षर। बहुत बड़े, वो बराबर पत्र लिखते रहे मुझे, बराबर पत्र, और चाहते थे कि हिंदी हिंदी में भी लिखते थे, बस हिंदी जाहिर है इतनी अच्छी तो नहीं थी कश्मीर की, कश्मीरी तो बहुत कमाल की थी, मुझे याद है एक बार वो आए थे यहाँ दिल्ली, ना उनका बेटा नागार्जुन, नाम नागराज, तो उन चेकअप कराने आए थे शायद, बोले मैं आ रहा हूँ मिलना, मैंने कहा जरूर मिलूंगी, मेरे हस्बैंड भी मैं आए मेरे साथ, तो हम गए थे द्वारका में रहते थे, मुझे याद है वहाँ हमने उनके कविताएं सुनी, कितना सुंदर, ऐसा लगा कि सच में मुझे लगा अपनी भाषा में भी कुछ ऐसा सौंदर्य होता है, मोह लेता है आपको, मैंने कश्मीरी में नहीं लिखा, तो खैर चूंकि मैंने बचपन से ही हिंदी को अपनाया था उस लेकिन समय से, आपने सारा मेरे कश्मीर हिंदी में पति लिखा सारा कश्मीर, कश्मीर, जो जो कश्मीरी सेंसिबिलिटीज है वो बस जीवंत हिंदी के जगत में आपने लाई सारी सेंसिबिलिटीज, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और हमें गर्व है उस तो है पर। कश्मीर रगों में है जी हमारे, कहाँ जाए, भाषा ही बदल दी और कुछ तो नहीं बदला,
पर मैं जी इतनी देर हम सुनते रहे, फिर मेरे हस्बैंड वो उठते हैं, मैं कहती अब उठी, तब तक तो वो दो चार उनकी बहू रानी थी, उन्होंने मैं शीर चाय पिलाई, वो लिप्टन चाय पिलाई, कब मैंने कहा भाई अब कितनी चाय पियेंगे, और वो अपने बड़ा सा एक वो जग सा वो थोड़ा थोड़ा पीते समावार थे, सुनना सुनाते थे करते, पर इतनी जी कमाल कमाल की करते हैं। खैर जब मुझे व्यास सम्मान मिला अपने संक्षिप्त करूँ, क्योंकि उनके हिसाब से तो बहुत याद है, मैंने उन पर लिखा भी काफी, वो मेरे संस्मरण में आ जाए आएगा, आपकी तो पहली ऐसा मुझे पुस्तक याद जो है है। वो शायद अर्थांतर, जो नॉवल है अर्थांतर, उसमें अंतिम साक्ष्य, ये दो नॉवल शायद छोटे नॉवल है, एक साथ छपाए थे शायद आपने 1982 अरे में, अब तो बात उसमें इसके बारे अर्थांतर, में। इसकी भी एक बात सुनाती हूँ। जब अर्थांतर लिखा तो गया था 80, 82, 80 कुछ ऐसे छपा था, वो याद नहीं है 82 एग्जैक्टली मुझे। हाँ तो दिल्ली आकर मैं, हम लोग 80 में हम दिल्ली आए थे, हैदराबाद से था, तो हम 13 साल हम हैदराबाद में रहे थे, लिखा मैंने हैदराबाद में ही है वो वैसे तो। खैर जी तो वहाँ हम आए तो सब नेचुरली फिर दोस्त वोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे, तो किसी ने कहा यहाँ कादम्बिनी नहीं निकलती थी किताब, एक पत्र का, उसमें जगदीश पत्रिका चंद्र केश नाम, वो बोले चंद्रकांता जी इसका करेंगे ये विमोचन करेंगे, हम तो जानते नहीं थे विमोचन वगैरह क्या होता है, तो बोले अब मैं करूँगा, तो वो करते थे, तो ठीक है हुआ कनॉट प्लेस में, तो उन्होंने किया। किसको बुलाएंगे, मैंने कहा मैंने मृदुला से परिचय हुई थी, मृदुला घर से मेरी पहचान हुई थी तब, वो बोले चंद्रका, मैंने उसको किताब दी, मैंने कहा तुम बताओ इसके बारे में तुम्हारी क्या राय, वो बोले मुझे लगता है जैनेन्द्र जी को बताओ बुलाओ, तो हमने, मैं जैनेन्द्र जी के पास गई, मुझे याद है मृदु, मैंने कहा भाई मैं तो जैन पढ़ा पढ़ा है, आपको जानती नहीं हूँ, कैसे जाऊँ क्या करूँ, दरियागंज में रहते थे, तो फिर वो मृदुला मंजुल उनकी बहन थी वो, हम मैंने कहा हम आएंगे, एक खटारा गाड़ी हमारे पास थी तो हम गाड़ी लेकर गई, तो वो भी आए मेरे साथ, तो मुझे याद है जैन हम लेने आए थे उन्हें, इसके लिए अध्यक्ष थे वो जाहिर है, तो मैंने नमस्कार किया, पहले किताब दे गई थी मैं, तो मैंने उनसे पूछा बड़े ऐसे संकोच से, मैंने कहा कैसी लगी आपको मेरी वजह से, वो बोले बड़े मुक्त मन से चंद्रकांता मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये देखिए तरीका बोलने का, अर्थांतर तो मेरी समझ में नहीं, ये सीधे पर अंतिम ओह साल तो मुझे लगा मैं तुम्हें गले लगाऊं, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत काफी वृद्ध थे तब तो मेरे बड़े से, तो मैंने कहा फिर क्यों नहीं लगाते गले, देखिए मजाक कब उनका मतलब जो ह्यूमर नहीं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पर उनको बहुत पसंद, मुझे याद है जब गोष्ठी हुई थी उसमें काफी लोग थे, मयूर सिंह थे, डॉक्टर कृष्ण क्या नाम है उनका, जो भी पूरा नाम याद था, मृदुला भी बोली थी, काफी लोग थे, उदय प्रताप जो ने पेपर पढ़े थे, तो महीप सिंह ने बहुत अंतिम सांस को बहुत पसंद किया था, बहुत बोले थे वो, अच्छा बोले थे, और महीप जैनेन्द्र जी सिंह ने खुद भी बहुत जबरदस्त कथाकार थे, महीप सिंह वो पंजाब गुजर गए, से। वो हाँ वही मैं जैनेन्द्र जी बोलता हूँ, बहुत तारीफ उनकी कहानियां हम आमतौर पे महीप पढ़ते थे जो पत्रिकाओं में आती थी। सिंह मृदुला वगैरह भी तब अच्छा लिखने लगे थे, जी तो एक रशियन चेकोस्लोवाक प्रोफेसर थे डॉक्टर स्मेकल, वो हिंदी पढ़ते, वो भी थे उसमें, उन्होंने भी थोड़ा बहुत बोला, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, तो खैर तो कहने का मतलब इतनी तारीफ उन्होंने भागी, खचा खच भरा था हॉल, तो वो भाई ये कौन है चंद्रकांता, क्योंकि हैदराबाद से मैं आई थी, ज्यादा लोग जानते नहीं थे मुझे, उस तरह लेखन भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ था तब तक, तो बहुत आप अच्छा लगा था उस दिन मुझे। जम्मू में काफी देर रही हैं क्या? जम्मू में मतलब कितना देर रही हैं? क्योंकि जम्मू का वातावरण जो आपने उसमें अंतिम साक्ष्य में दिखाया है, मतलब उसका जो ब्यौरा पूरा दिया है, तो वो जम्मू वाला भी कोई नहीं दे पाया है ऐसा जैसे आपने दिया है, मुझे ऐसा जम्मू में लगता है। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो अच्छा मेरे ससुर जी, क्योंकि मेरे पति भी पढ़ाई करते थे, वो भी अपने उनकी भी जी नस्ल हुआ बेचारे बीए के स्टूडेंट, बाद पूरी उनकी शिक्षा हुई, तो हम लोग तब तक ज़्यादा मिले नहीं थे, बाद में मिले थे, तो वो भी पढ़ाई पढ़ाई में थे, तो मेरे ससुर जी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नहीं असिस्टेंट इंस्पेक्टर स्कूल्स थे, तो कभी जम्मू में होते थे कभी कश्मीर में होते, जम्मू में होते तो हम भी जाते थे, फिर मेरे देवर वो भी जम्मू में, उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की, गांधी क्या है वो साइंस कॉलेज, गांधी कॉलेज क्या है नाम उनका, साइंस कॉलेज में थे वो, साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज। बीएससी, और मेरा भी क्या होता था पहले थी तो श्रीनगर में आदि एज कैजुअल स्टूडेंट, क्योंकि एक ही सब पहले मैंने अंग्रेजी में किया, बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया कॉलेज में ही, तो पिताजी का लिहाज था, नहीं तो ऐसा नहीं होता, तो जम्मू में भी मुझे सीट मिलती थी, निश्चा थी, निश्चा बड़ी तेज थी, वो कहते थे अच्छा अपने पीरियड ले लो, यू हैव टू गो, वो तो बात कहीं करेंगे बाकी को भी डिस्टर्ब करेंगे,
बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, हो सकता है मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं पढ़ पाती उस तरह। बाजाबता कॉलेज जाती रही मैं जम्मू में, तो इस तरह जम्मू कितने से वर्ष रहे आप मतलब जम्मू में? जम्मू में कितने हम वर्ष भी रहे आप? कुल मिलाकर 5 साल तो रहे हम, पर कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, इस तरह रहे, आने आते जाते श्रीनगर भी। तो वहां पर वो ठाकुर जो अंतिम साक्ष पर आपने, आपको याद होगा तो आप कैसे भूलेंगे, आपने सीरियल भी बनाया और कितनी दूर नाम से अंतिम साक्ष, आपको लगा शायद ज्यादा संस्कृताइज है, बहुत अच्छा लगा। मेरी ये देवरानी आई थी, वो शार्लेट में रहती, मैंने उसको देखो बड़ी खुश हो गई, बड़ा पसंद आया काफी लोगों को, बनाया भी है वो बड़े सरल ढंग से, धन्यवाद। जैसे छूटा है वो। तो वहां पर वो जी ठाकुर जो थे वो थे, वो सच्ची कहानी है लगभग, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो कल जी कल्पना का अंश तो होता ही, जोड़ता है उसे, पर वो विकी वगैरह बिल्कुल जीवन पात्र है उसका, बहुत गरीब से मैंने उनको चुना। बीजी और मौसी जो मीना मौसी है वो भी मीना बड़ा, मौसी, और जो तो इतना चिढ़ते थे उस मीना मौसी से वो, क्योंकि वो माँ की जगह आई थी उनकी, पर बाद में कितना त्याग, यही शायद यही चीज जैनेन्द्र जी को लगी, उसका त्याग, उसका सब कुछ छोड़ना दूसरों के लिए, वो कौन करता है ऐसे, बच्चे तो उनको पसंद नहीं करते थे, पर अंत में क्या हुआ, बड़ा लड़का तो थोड़ा सा इधर उधर का तो वो पता नहीं आर्मी में चला गया बाद में, पर जो छोटा था विकी वो दिल्ली चला गया, तो जाते उन्हें मकान वकान बेच दे, फिर सब गुजर गए थे, ठाकुर भी गुजर गए, उनकी बीवी भी, बड़ा अंत बड़ा करुण था उनका। तो वो उसके साथ वो जाने वाला था, तो वो वहां पर थी मीना मौसी, वो देख रेख करती थी वही, तो अब जाने जाने के थे मकान और मुझे बेच दिया था उसे, मैंने एक्चुअली उसका एक शीर्षक दिया था ढक्की का आखिरी मकान, वो पक्की ढक्की थी वो, आपको याद होगा पक्की जमाने में, ढक्की। वो उसके साथ खड़ी हो हाँ, गई मैं भी तो काफी देखो समय आगे रहा हूँ पक्की ढक्की में। पक्की ढक्की, पका डंगा, बहुत बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त, टिपिकल जम्मू, टिपिकल टिपिकल जम्मू है जम्मू वो, है जी। और वहां से पीर को नीचे जाते थे, ये याद है नीचे मुझे पीर पीर का को मंदिर, जी, तो वहां पे वहां थी हम मेरी कसरत करने जाते थे पीर खो में, वहां सास एक जाती थी, अखाड़ा दादा जी, नहीं जाती थी, वो जाती थी। तो वही है उसमें बहुत आया अंतिम, जी। इसके बाद आपने ऐलान गली जिंदा है, इसके बाद अंतिम साक्ष और अर्थांतर के बाद आपने ऐलान गली जिंदा है, और अब फिर आप श्रीनगर को नहीं लेके आई जी ऐसा हुआ, मैं जब जब हैदराबाद से मैं आई दिल्ली, तो अब छुटपुट जी कहानियां लिखती थी, पोषण की वापसी मैंने लिखी थी, फिर हमारे उन दिनों से इसमें मनोज श्याम जोशी थे इसमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, तो वहां पर मेरी आपका रचना थी, तो बोले अर्थांतर मैंने लिखा था, तो बोले चंद्रकांता तुम ये अर्थांतर विषांतर तो सभी लिखते हैं, वो ऐसे ही बोलते थे बिल्कुल, कभी कभी गुस्सा भी आता, ऐसे क्यों बोलते हैं, वो तो सब लिखते हैं, तुम ऐसा कुछ लिखो जो दूसरा न लिख सके। मैंने कहा ऐसा क्या है जो दूसरा नहीं लिखेगा मैं लिखूंगी, ऐसा क्या क्या है, वो बोले है तुम कश्मीर के हो, तुम्हें कश्मीर की आत्मा मानोगे, कश्मीर पर लिखा तो बहुत ज्यादा आप तो जानते हैं, भीष्म साहनी ने लिखा, उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा, और उससे पहले भी काफी लोगों ने, यशपाल ने लिखा, मोहन राकेश ने लिखा, पर वो पहले मैंने कहा लिखा मैं क्या, क्या खास बात है, मुझे ऐसा लगा क्या है उसमें, वही जीवन के खटरा क्या है उसमें, ऐसा कुछ तो नहीं है। बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ कुछ है, वो मनोज श्याम जोशी ने मुझे इस तरफ ध्यान दिलाया, उन्होंने कहा नहीं, उसने खाली मेरे नब्ज पर हाथ रखे, उसने कहा देखो जो लिखा गया है वो तो एक बाहर मतलब दूर से देखा है, तुम तो भीतर की बात जानती हो, जो वहाँ कल्चर वहाँ सब उसके बारे में, मुझे लगा हाँ ये बात से तो है ही है, तो कश्मीर कई बातों में बड़ा अनूठा भी है, अनोखा भी है, विचित्र भी है, तो मैंने कहा हाँ, फिर मुझे नाम सूझा एक, मैंने कहा कैसे करूँ, एक में मध्यवर्गीय जीवन जो है वहाँ पर कैसे रहते जी क्या है, तो ऐलान गली मैंने चुना, तो ये ऐलान गली मुझे बोल के नीरजा, नीरजा मटरो मुझे बोलती चंद्रकांता मुझे ऐलान गली समझ में नहीं आया क्या है, हम बोल मैंने इसकी दो अर्थ है वैसे, एक तो कहते हैं अब कभी कोई का मुझे ऐलान हो खुश, ऐलान मस्त, मेरी कोई चिंता है, एक ऐलान हो ऐलान करना वो बात नहीं, इसमें वही ऐलान है मस्त, जी वो जो हर हाल में रहते सुख दुख में एक जैसे, कोई चिंता नहीं, तो मुझे लगा ऐसा लिखना है, ऐलान गली जिंदा है मैंने लिखा, तो हालांकि जब उस पर लिखा था इन्होंने हरे कृष्ण कौल ने, तो उन्होंने कहा उन दिनों तो खैर 80s की बात है, तो ऐलान आप तो जानते हैं कश्मीर में हमेशा अनरेस्ट तो था ही वहाँ पर, तो बोले ऐलान गली कहाँ जिंदा है, उन्होंने उस पर लिखा था, हालांकि तारीफ बहुत की थी उन्होंने, पर लिखा ऐलान गली जिंदा नहीं, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने,
तो खैर तब तो मुझे जानते नहीं, उनको पता था हम पता मुझे नहीं अच्छी कौन। तरीके से याद है कि हम दिशा करके एक संस्था चलाते थे, तो उसमें उन्होंने ये एक नॉवल ही हमको मतलब दिखाया था और कहा था कि इस नॉवल को पढ़ो, कौल साहब ने। नहीं बाद में बहुत पसंद आया, ये उन्होंने कहा बहुत वसा जबरदस्त। के बिना वसा है, को बहुत पसंद आया, मैं घर पर हमारे बैठी साथ हूँ। दीपक बुदकी जी जुड़े हैं, और दीपक बुदकी जी जो है बहुत ही अच्छे सशक्त कहानीकार है उर्दू के, और वो आपको बोल रहे हैं बहुत अच्छा वार्तालाप चल रहा है, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर से हैं वो भी, दीपक बुदकी जी, शायद आपने नाम सुना होगा। हाँ वो बहुत ही मतलब उनके, हाँ एग्जैक्टली, ये जो है ये खुद बहुत जबरदस्त श्रेष्ठ कहानीकार हैं उर्दू जगत के जी। उर्दू में कश्मीर हाँ दीपक बुदकी जी, तो वो हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए। अच्छा मैं आपको हम आ गए थे एलन गली जिंदा है, एलन गली जिंदा में आपने जो कथानक चुना है, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको उस कथानक? वो मैंने बोला ना, मनोज श्याम जोशी ने बोला लिखो कुछ, बस यही बोला नहीं, मैंने, उन्होंने तो लिखना चाहिए बोला, लेकिन लेकिन जो विषय है, कश्मीर जो का। उसका। मुझे लगा क्योंकि हम लोग उन दिनों डाउनटाउन में रहते थे, बाना मोहल्ला, आप तो जानते हैं बाना मोहल्ला, उसके नीचे का जो एरिया है वो टिपिकल, जो टिपिकल कश्मीरी पंडित जो है ना, टिपिकल उनका है, रहन सहन मैं रहा तरीका, हूँ वहाँ सोच विचार है, आप भी रहे वहाँ। हाँ जी, तो मैं भी फतेह आज, कदल में, अच्छा बानो मोला फतेहपुर में, के थोड़ा सा फतेह कदल में, तिन्नी टॉट्स के स्कूल था वहाँ पे, वहाँ के पास में वो क्या नाम, बहुत बड़े लोग थे वहाँ पे, खैर मैं नाम भूल रहा हूँ। नहीं कार हम लोग भानुमोला में थे। वैसे मेरे पिताजी तो हबागल साहिब गणपतार में रहते थे, जी पर बाद में कोतरू, तो वहां कोतरू कोतरूज कोतरूज रहते थे वहां पे, उनका बहुत बड़ा कोतरू, इहाता था वहां पे, बहुत, हाँ बहुत अच्छा घर था वहां पे, उनकी एक एटिक थी साथ में, तो उसमें हम रहते थे जी, काफी साल में वहां भी रहे, पर आउट बाद में हाउस सा रहे था तो उनका। हाँ फिर एक और घर था वहां रहे, तो इस तरीके से मैं उस माहौल से बहुत परिचित हूँ, क्योंकि मैं वहां पे कम से कम 3 4 5 साल रहा हूँ जी। वो है ना, बताइए मैं आप। लोगों के साथ घुस गई, फिर मैंने सोच, काफी लोग मैंने भी देखे थे बानामाला में, काफी लोग देखे थे अलग अलग तरीके के, कोई एक अर्जुन देव, अर्जुनाथ, अर्जुन जो बड़ा कंजूस था, उसकी प्रवृत्तियां, एक रत्नी थी, एक ऐसे कुछ, वो जीवंत है, वो सच में जो मतलब पहन आपने पाती जो तो हार्ड वही मास के करेक्टर हैं, जो हार्ड मास के चरित्र है अपनी, हमेशा ही ये आपकी टेंडेंसी रही है कि आपने जो हार्ड मास के चरित्र आसपास है उन्हीं को आपने एक रंग दिया है, बिल्कुल और बिल्कुल उनको आपने अपने साहित्य में इंक्लूड किया है, और बहुत ही यथार्थवादी ढंग से किया है। तो ये एलान गली जिंदा है जो है वो कश्मीर के आपके जो आरंभिक दिन थे, जहाँ पे जब आप लेखन शुरू करते थे, उनकी स्मृतियों का एक बहुत बड़ा एक खजाना है, और करेक्टर्स जो है आपके पास, जो आप जिनके साथ जीवन उठे हैं बैठे हैं, हाँ जीवन जिया है, तो उनके साथ है। तो उसके बाद आपने एक संग्रह निकाला, ओ सोन किसरी, वो आया आपका, तो बीच बीच तो में लिखती कहानी बराबर अच्छा लिखती थी। वो ये सोन किसरी की जो प्रेरणा जी, मुझे, हाँ ये ये जो पूछना चाह ये रही एक लोक कथा है वहां पे कश्मीर में, जो आम मतलब घरों में भी सुनाई जाती है, वो सोन किसरी की, सोन बल्कि किसर। मैंने हरकृष्ण कौल, हाँ मैंने हरकृष्ण कौल जी से पूछा, वो बोले मैंने सुना तो है पर मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, तो मैंने कहा मेरी नानी थी गांव से, मेरी माँ तो गांव से थी वैसे, तो वो हमें जी सुनाती, माँ तो बीमार है पर नानी हमें बहुत कहानियां सुनाती थी, वो क्या समुद्र तल की राजकुमारी थी, कोई अकनंदन था, सोन किसर था, ऐसी कहानी जो कश्मीर में प्रचलित है, बोबरे बदल नहीं सुनाती थी, वो कहते लड़कियों को ये सब चीजें नहीं सुनाना, सोन किसर। तो मुझे बड़ा बाद में तो कुछ तो मैंने लिखा उसमें, बाद में हमारे एक और पहचान के रिश्तेदार तो नहीं है, वो बहुत बूढ़ी थी, काफी बूढ़ी, तो मैंने उससे पूछा सुन कैसे, बल्कि वो ठेठ गांव से थी वो भी, तो उसने मुझे कश्मीरी में सुनाया क्या क्या बोलती थी सुन किसी, कैसे घर से निकली, क्या हुआ कैसे, फिर आपको तो पता है वो नाराज हो गई थी घर से, अपमान लगा था पेड़ उसे, पेड़ पे रहने उस लगी। नहीं वो माने नहीं इतनी, मुझे मैं आज भी मैं सोचती हूँ, जब मैंने कहानी लिखी मैंने कहा ऐसी औरतें थी जिनके इतना अपने मान सम्मान के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर रही थी अपमान, इसीलिए घर छोड़कर गई, ऐसे किसी ने, देवर ने किसी ने कहा उसको, वैसे कहते भाई, मैंने भाई नहीं, मैंने उसको देवर कहा, यशुन यशुन जी वाल बाल निकला था उसको खाने में, सभी उनका हाँ मुझे लगा थोड़ा चेंज करना चाहिए, खैर उसका अपमान हो तो घर छोड़कर चली गई, फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठी, वो कहानियां जैसे होती हैं लोक कथाएं,
तो फिर वहां से कोई धर्म, माँ बाप आए, भाई अब आ जाओ ठीक है, वो घर में तुम्हारा भात दही भात तुम्हारा इंतजार करता है, चरखा तुम्हारा चरखा चलाते होंगे उस जमाने में, तो बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जब मेरा घर मान ही नहीं घर में मैं क्यों जाऊँ। तो मैं हैरान हो गई, उस जमाने में एक लोक कथा हूँ मैं भी, इतनी मानी नहीं लड़कियां हुआ करती थी, तो बाद में जैसा हुआ था जैसे कहानियां होती हैं, फिर अंत में तो खैर एक रानी ही बन जाती है वो, ठीक है। मतलब वो कहने का तात्पर्य यही है, सोनकी से मैंने इसलिए लिखी, मुझे लगा कि एक लड़की जो चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, अपने प्रति अपनी अस्मिता के प्रति कितनी सजग थी वो औरत, कितना कुछ किया उसने। अब कहानियां तो बनती हैं, फिर वो उसमें चांद आता है सूरज आता है वो सब अलग बात है, पर वो जैसे आपने अंग्रेजी में कहानी है वो कौन है बीन स्टॉक क्या है वो नाम, यार ठीक से बीन स्टॉक, एक कहानी जो किसी को बीन स्टॉक मिलता है उसके ऊपर उसके सहारे वो ऊपर जाती है जाता है वो उसमें पुरुष, इसमें सीट वो कहता है जो साधु आता है उसको बीज देता है 7 बीज, तो उसमें वो 7 पेड़ उगाती है और एक के पेड़ से दूसरे दूसरे पता नहीं कैसे पेड़ होते हैं, वो चंदा मामा तक पहुंच जाती है, फिर वहां पर चंदा मामा वहां पर जैसे कहानी में होता है वहाँ चिड़िया होती है तोते होते रिच रिच हैं, इमेजिनेशन। जैसे बाल कथाओं में होता है उसके लिए बहुत कुछ इंतजाम करते हैं, वही उसको कहते हैं भाई राजा के यहाँ आज धुंधुबी बजी है कि वो पटरानी बनाना चाहता है किसी को, रानियां तो उसको पहले होंगी, तो वहां पर वो किस तरह जाती है कैसे जाती है किस तरह करती है, तो खैर उसमें दिखाया है उन्होंने, वो बहुत तेज दिमाग वाली भी है वो, क्योंकि बाकी रानियां आती हैं उसको कहती है कैसे करोगी तुम तो नई हो तुम्हें कुछ पता नहीं, हम तो रानी हैं पटरानी हम बनेंगी, तो कहती थी अच्छा, वहां भी उसको कवे तोते वोते मिलते, वो उसको सिखाते ये करो ये करो, ला कर देते हैं कुछ फूल पत्ते वगैरह जो भी है, तो वो क्या करते कहते सभी अब जब कमरे सजाते हैं तो राजा आता है एक एक कमरा देखने, जब उसको सबसे ज्यादा जो अच्छा लगेगा तो उसी को पटरानी बनाएगा, वो जाता है तो इधर मीन टाइम वो रानिया उसको पूछती है कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैं मोती लाई फिर उसको मैंने कूटा मैंने बिखेर दिया उसमें अपने आप मालाएं बन गई, तो वो मतलब चालाक भी है, वो उनको पता ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, चालाक भी है तेज भी है और अपनी धुन की पक्की भी है। तो खैर जब राजा आता देखता है इनके कमरे में मैं गोबर से लिपे हैं कुछ ऐसा ठीक नहीं है, सुगंध भी नहीं कुछ भी नहीं है, तो फिर वो अंत में मुझे कहता है दुखी तो कुछ है नहीं इसके क्या होगा, कर वो जाता है राजा जाता है सोनकेसरी के कमरे में, तो बड़ा उसको अच्छा लगता है, वहां पर फूल मालाएं हैं वहां पर इस तरह फूलों के इतर है बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, तो उसको वो पसंद करता, कहानी का अंत यही है कि वो उसको जी, अपने पर हमारी एक और लोक कथा बहुत जबरदस्त है, मतलब हिमाल नागराय। तो वो भी मतलब कश्मीरी बहुत अच्छा। आपने अपने अपने कोणार्क फिर लिखा 1997 में, तो ये किस ऐसा विषय हुआ में लिखा आप? कश्मीर के बाद, पहले इसके बाद मैंने एक और उपन्यास लिखा बीच में, यहाँ वितस्ता जी भी थी, हाँ, यहाँ भी तस्तव है जी। तो मैंने एक्चुअली अपने पिताजी से किया था, वो पिताजी तो बाद में थोड़ा बीमार बीमार थे गुजर गए, बाद में शुगर पेशेंट थे, मतलब ठीक से उनका बुढ़ापा ठीक से नहीं गुजरा, हालांकि बड़े शेर थे अपने जमाने के, तो खैर जब वो बीमार थे तब मैंने वितस्ता के साथ जैसे कि हम सब का एक मतलब ये रागात्मक संबंध है, और हमारा मतलब जेनेटिक संबंध है, क्योंकि वो वितस्ता हमारे एक ऐतिहासिक प्रवाह का जो है रूप है एक सिंबल है, एक तरीके से हमारे हमारी जो चेतना है, जो हमारी हिस्टोरिकल चेतना है, जो हमारी ऐतिहासिक चेतना है, उसका एक बहुत बड़ा अंग है। तो बार बार हर कोई राइटर जो है उसी की तरफ देखता है, वितस्ता की तरफ। आपने क्या नया देखा उसमें? नया, मैंने क्या देखा, एक मैंने कहा इसका मूल कारण तो ये है कि मैं पिताजी के बारे में, वो एक्चुअली वो जीव नहीं पर उपन्यास है, पर मैंने उसको लिखा नहीं उस तरह उपन्यास की तरह ही लिखा, वो एक तो वितस्ता बहती, वितस्ता क्या है, वितस्ता जीवन की बहती है, बहाव जीवन क्या है, जीवन भी तो नदी है, अब चूंकि वितस्ता से जुड़ाव है इसका और वितस्ता को हम सती का रूप भी मानते और वितस्ता किनारे घर भी था पिताजी का, तो कई चीजें मिंगल होती है तो उसका प्रभाव, और वितस्ता का दिन मनाते हैं उसका जन्मदिन मनाते हैं, पता नहीं आपको मालूम है ये बात कि नहीं, पता है, हमारा गैसबोधर शिवरात्रि, हाँ गैसबोधर। शिवरात्रि होती है तो जाहिर है वितस्ता में जो कहते हैं ना अखरोट वखरोट वो कैसे पूजा वूजा करते हैं, ये सब वितस्ता बहुत गहरी जुड़ी है हमसे, जो नवरे होता है नवरोज तो पत्थर जो अखरोट होते हैं ना वो फिर हम नदी में डालते हैं,
मुझे याद है, क्योंकि डालते ऊपर हैं। एक कमरे ऊपर मंजिल से ही वहां पर मला वाला होते थे, शिकारी वाले वो उठा लेते थे। तो ऐसे काफी संबंध है हमारे। तो यही जीवन की नदी है, जैसे पिताजी का भी जीवन था बिल्कुल नदी की तरह, वो बहे दिए की तरह जले, पूरे समाज सुधारक रहे, बहुत बड़े पढ़ाया उन्होंने, काफी शिक्षाविद रहे। तो एक उनका बहुत भी ही जो एपिक एपिक नॉवल है आपका, और जो बहुत ही चर्चित है, और जिस जिस पर आपको मतलब जो बिरला का जो व्यास सम्मान है वो भी मिला, कथा कथा सती सर, एक बहुत बड़ा वृहद, इतना बड़ा वृहद जो कथावृत है वो मैंने आपके माइंड में 8 कैसे आया? साल उस लगे मुझे, पे 8 साल 8 साल जी। मुझे याद है। पहले एक बार बताओ तो, पता मैंने क्यों लिखा, एलान के लिए मैं लिख चुकी थी उसमें कश्मीर का पूरा जीवन, जो हमारा सामासिक कल्चर जिसको आप कहते हैं, जैसे ऋषि जैसे हम कहते हैं ना, कश्मीरी कल्चर क्या है आजकल बोलते, जो कश्मीरी बोलते हैं कश्मीर में रहते हैं वो कश्मीर, उनका कश्मीरी कल्चर है वो क्या है। कश्मीरी कल्चर आप तो जानते हैं, हिंदुइज्म बुद्धिज्म और इस्लाम, इस्लाम 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 का तीनों का सामंजस्य, तीनों का मिला जुला रूप है, और साथ में उसके ऋषि सूफी कल्चर भी मिला है। तो ये सब इकट्ठे मिलके यही है कश्मीर, उसमें हिंदू मुसलमान भेद नहीं है, उसमें तेरा मेरा नहीं है, पर वो कल्चर काफी दिन निभा भी, बाद में जैसे हालात बदलते हैं तो उसमें फर्क भी आता है, पर मूल हमारा वही था। तभी हमारे घरों में देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ धर्म दीन की हदें होती हैं, सब रखते हैं कितने भी उदार हो आप। आजकल थोड़ा ये दीवारें मिटने लगी हैं, पर हमारे उस वक्त था, पर उसके बावजूद प्रेम भाव था। मैं आपको बताऊंगी, जरूर कोई विश्वास करे या ना करे, मैंने एक कहानी पोशनूल की वापसी, जिस पर एम के राणा ने फिल्म भी बनाई थी 5 एपिसोड की, उसमें एक नौकर था महदो, उसने मुझे पाला है घर में, पाला है मुझे उसने। मैं क्या करती घर में, थोड़ा बहुत मैंने कहा जो होता है, कुछ लक्ष्मण रेखाएं तो हम खींचते ही हैं अपने आस पास, मैं जाती थी छुप के जाती, वो खाना तो हमारे साथ ही खाता था, पर उसने आंगन में एक उठाओ चूल्हा बोलते हैं उसको, वो रखा था, वो शेर चढ़ाना था, वो नमकीन चढ़ा। अब घर में बच्चों को दूध पिला, बच्चों को पसंद नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो मैं जाती थी छुप के उसके पास वो शेर चाय पीने। मुझे आज भी याद है, कभी मेरे पिताजी ने मना नहीं। तो उनको लगता था कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शायद दीन धर्म से ऊपर होते, वो मानते थे, पिताजी मानते थे। तो ये मुझे इस बात का भी गर्व है क्योंकि वो बच्चों बहुत को, बच्चों के इससे क्या लेना देना है, उनके तो बायस होते नहीं है। ऐसा हमारे साथ भी होता था, पर औरतें मजदूर जो आते थे बताती काम। थी क्या मानती बहुत बहुत थी, बहुत इंटरेस्टिंग। आप विश्वास कीजिए उसका प्यार भी बहुत था उससे हमसे, पर मैं तो बहुत तंग करती, चलो मुझे मुझे पार्क ले जाता था हमें हाथ पकड़ के, तो उसे मुझे चलना भी सिखाया था, वो कहते बोलना भी सिखाया उससे तुम्हें, जो भी है। तो बहुत मैं बहुत याद किया है मैंने उसको। इसमें भी है कथा सिद्धि सर में भी, महज जो नाम से एक एपिसोड है, कैसे जी बचपन में कहानियां सुनाता था, राह चौक की कहानियां सुनाता था, कहता था शेर को कैसे शेर मिले तो उसको ऐसे नमस्कार नहीं, अंगूठा नहीं दिखाना, ऐसे नमस्कार करना नमस्कार। ऐसे बात, और कहता था ऐसे बातें, बच्चे थे हम सुनते भी थे उसकी, हम कहा क्या बोलता है वो, क्या क्या करता है, वो सब चीजें जैसे बच्चों की जिज्ञासा आपने होती है। शुरुआत उस नॉवल की बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से की है कि एक, मतलब मुझे ये एक फिल्मी सीन जैसा है कि एक फॉरिन कंट्री में बैठी हुई एक वृद्ध जो महिला है, वहां का पहाड़, उस बर्फ का पहाड़ देखती है, और उस पे आप सुपर इम्पोज करते हैं कश्मीर का हारी पर्वत, या उससे वो पहाड़ जो है क्या नाम, पर्वत उसको नजर हाँ, हरम हर हरम मुख हरम करते हैं। तो ये मतलब ये वो करेक्टर कौन है? बहुत ही दिलचस्प वो करेक्टर। करेक्ट मेरे सास जी, वो गुजर गए हाँ, मेरे साव साव दादा जी ने, वो मेरी मदर इन लॉ सास, वो गुजर गए आपकी बहुत मदर पहले। इन लॉ। अच्छा, मैं काफी समय मैंने उनके साथ बिताया, 14 साल की उम्र में उनके पास आई तो वहीं रहती थी मैं सास जी के पास ही ज्यादा, जो कुछ मैंने सीखा है सास जी से सीखा है। तो खैर ये देखिए कथा से इसके भी लिखा, मुझे अगर आतंकवाद ना आता, अगर निष्कासन ना होता तो मैं शायद नहीं लिखती, क्योंकि वो जो अपना सामाजिक कल्चर था उसका बारे में मैं लिख चुकी थी, अलग में था वो, उसमें था जो भी था, पर बाहर से था, वहाँ पर अनवर है एक, वो दर्जी था वहाँ पड़ोस में रहता था, इतना अपनापन था पता ही नहीं चलता था क्या क्या आप इस क्या था। निष्कासन को कैसे देखते हैं एज ए राइटर? जी निष्कासन को कैसे देखते हैं एज ए राइटर? आप कैसे देखते हैं इसको? हालांकि आप
बहुत पहले ही इस तरफ आ गए थे, क्योंकि आपके मतलब जो हस्बैंड का जॉब जॉब था वो। हाँ जी की नौकरी नौकरी कहाँ मिलती थी इन लोगों का, और मेरे पति इसमें फार्मेसी में डॉक्टरेट है, उनके लिए जॉब था ही अच्छा नहीं। जम्मू में एक जॉब था तो वो भी किस किस को मिलता, तो इसलिए उनको निकलना पड़ा वहाँ से। लेकिन एक बात है, मुझे कई मित्र कहते हैं, पता नहीं मेरे मित्र अगर सुने कभी तो उनको उनको जवाब देना चाहती हूँ। अब नाम नहीं लूंगी, जो भी है वो बड़े विद्वान जन हैं, संपादक भी रहे हैं। वो कहने की चंद कहते जी आपने उपन्यास लिखा का था, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आपने कश्मीर में बैठ कर नहीं लिखा। ये मुझे बड़ी अजीब बात लगी। आप जानते हैं, आपने नाम सुना इसका, जिसने द बिलेवर लिखा है, क्या नाम है उसका, टोनी मॉरिसन, जानते हैं कौन थी, अफ्रीका की, अफ्रीका की अजहद गरीबी और जो अंधविश्वास में थे उसके बारे में उसने इतना लिखा कि बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मालूम है वो अफ्रीका में नहीं रहती, वो रहती सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ पर पढ़ाती थी, लेक्चर प्रोफेसर थी। वो कैसे वहाँ बैठ कर लिख चुकी, मैं चंद्रकांता नहीं लिख सकती दिल्ली में बैठ कर, क्योंकि काफ़ी कुछ है होता है जो हमने बीए तक तो मैं कश्मीर में ही थी, बीए भी मैंने वहीं से किया, बीएड मैंने किया वहाँ से, गांधी मेमोरियल कॉलेज से, ये बहुत दुखद है, अगर किसी ने कश्मीर कहा है तो बहुत दुखद है। मतलब विद्वान है आप एक बाहर गए अंग रही है। तो खैर। और वो कहाँ थे, हमारे हमारे सब कुछ हमारा भी चला गया, सास ससुर जी तो वही थे, वो तो निकले, वो हमारे पास आते थे गर्मी सर्दियों में 2-3 महीने, फिर वो कहते नहीं उनका मन नहीं लगता था, हम भी जाते थे साल में एक बार तो जाते थे महीने भर। और ये ये कह भी रहा है हूं कि कि एक एक बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई, बहुत जिसके हुई जिसके इसका कारण हुआ। निष्कासन देखिए उसके खैर काफी कुछ है इसमें, लिखा भी है मैंने काफी कुछ, और बल्कि मेरा एक नया उपन्यास अभी उम्मीद है जल्दी आएगा, वो मैंने राजकमल को दिया है, समय अश्व बेलगाम नाम से, उसमें भी मुझे 2-3 साल जी। लगे क्या लिखने में। क्या नाम है? समय अश्व बेलगाम, अच्छा, समय का घोड़ा घोड़ा बेलगाम, अश्व बेलगा। उसमें वर का उसको थोड़ा विस्तार है। वो मतलब देखिए अगर कथा से भी सर है निष्कासन तक, जब जाते हैं लोग कैसे रहते हैं बेचारे, शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, वहां तक उसका अंत है, पर ये उससे आगे है, जैसे कहीं दिल्ली में जम्मू में कहाँ कहाँ बस फिर कैसे क्या किया उन्होंने वगैरह वगैरह, थोड़ा सा विस्तार है। और ये खाली विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह जाने का ही नहीं है जो नया उपन्यास है, वो विस्थापन हर जीवन में हर जगह विस्थापन है। अब बताइए पिता पिता और बच्चे, उनके जीवन में विस्थापन नहीं है, चाहे नौकरी वजह हो चाहे कुछ भी हो, बूढ़े बूढ़ों का जीवन अकेले नहीं गुजरता आजकल, पति पत्नी के बीच विस्थापन बढ़ता हुआ जो है, जो अलगाव बढ़ता है, उस पर मैंने काफी नजर डाली है, थोड़ा विस्तार है लेकिन पर। जो आप बात करते हैं निष्कासन की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो किसी निष्कासन लेबर का किसी विस्थापन, विस्थापन में अंतर है, निष्कासन जो तो हाँ जो मजबूरन, विस्थापन भी मजबूरन ही होता है, पर ऐसी स्थितियां होती, कोई एक जना आपको नहीं निकालता, ये नहीं कहता कि तुम हिंदुस्तानी जासूस हो यहाँ से चले जाओ, वो तो नहीं करेगा, वो सब नौकरी के लिए जाते हैं, कोई देश जाता है कोई विदेश जाता है, वो अलग है। मैंने ये बहुत बारीकी से लिखा, आप पढ़ेंगे उसको अच्छा लगेगा। तो खैर अंत मैंने जरूर ये किया, बल्कि क्रिटिक ने कहा भी राजकमल की आदत है वो पहले दिखाता है किसी को, क्रिटिक को दिखाता है, उसने ये कहा था कि चंद्रकांता ने अपना बहुत अच्छा लिखा है, वो है ये है, पर अंत में मैंने क्या किया है उसमें, देखिए मुख्य पात्र उसका कश्मीर से ही है, क्योंकि मैं कश्मीर को जा नहीं सकती, मेरी यादों में इस तरह कश्मीर जिंदा है कि वो को जा ही नहीं सकता। मुझे लगता है हमारी अस्मिता का प्रश्न है, मुझे लग रहा है हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, जो जो मूल आपका, आप कहीं भी रहें, आप घर बना गए, यहाँ भी हमने घर बनाया अच्छा, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं, पर खाली मैं नहीं कहती, लोग तो कहें कुछ भी, खो तो हमने सब कुछ दिया वहाँ, लेकिन फिर भी वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि आपको निकाला गया, आपको बताया गया कि यू डोंट बिलोंग हियर, ये सबसे बड़ी ये हो, और वो भी अपने स्वतंत्र गणतंत्र में। और उस वक्त ये भी था कि कश्मीरियों के प्रति, कश्मीरी हिंदुओं के प्रति किसी को सहानुभूति नहीं थी, मैं बार बार ये कहती हूँ, पिछली बार भी राजकमल ने भी इस पर बातचीत करवाई थी, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आज बड़े लोग कश्मीर पर लिखते हैं, काफी लोग लिखते, एक है अशोक पता नहीं क्या पांडे जी कौन है, वो रोज ट्विटर पर उनका आता है, अब फिर ये है फिर ये है, फिर उन्होंने मुझे संपर्क भी किया था, एक बार फोन किया, चंद्रकांता जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने देखा तो इतने बड़ बोले हैं, इतने बड़ बोले, पहले उन्होंने लिखा कि ऐसे, एक बार फिर दूसरा लिखा, मैं अब कश्मीरी पंडितों के बारे में लिखूंगा,
मैंने कहा आप तो उनको बख्श लीजिए, आप क्या लिखेंगे उनके बारे में। लिखा उन्होंने, पहले लिखा कि कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, फिर लिखा हिंदू पर, हाँ वो भी कश्मीर में बोलते हैं धन पीड़ित, हाँ उनको भी तकलीफ, ऐसे गलत बातें बोलते हैं वो। इतिहास तो पता नहीं कौन सा इतिहास है। मैं जब मैंने कथा सिद्धि लिखा, मैंने इतिहास की 5-6 पुस्तकें पढ़ी, मोटी मोटी पोथियां पढ़ी, और उसमें मैंने अलग अलग विचार हैं लोगों के। एक सूफी है जो भी पाकिस्तान में चला गया था बाद में, उनका मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड लगा, गुलाम मोहम्मद सूफी कुछ नाम। तो उसमें क्या है, अलग अलग विचार है लोगों के, पर कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसको डिसफिगर करते हैं वो, बता वो नहीं, उनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, मैं नहीं कह सकती। मैंने एक दो बार उनको कहा भी, मैंने कहा देखिए अगर आप लोगों की यातना को नहीं समझते, अब जो दान देने वाले थे वो भिखमंगे बनकर दान लेते हैं, उनके लिए से मरने से भी बदतर बात है उनके लिए, आप ये नहीं समझते। हाँ वो है ठीक है, पर मुसलमान, मैंने कहा हाँ मुसलमानों पर भी जाहिर है, दो मैं हमेशा कहती हूँ आतंकवाद दोधारी तलवार है, जिसकी तरफ उठाता है और जो उठाता है दोनों को जख्मी करता है। जाहिर है उन्होंने भी बोला, उनकी लड़कियों की भी बेहरमती, उनके लड़के मारे गए, पर वो अलग बात है, वो उन्होंने चुना, हमने नहीं चुना था निष्कासन, हम नहीं निकलना चाहते थे उस तरह। नौकरी के लिए निकलना अलग बात है, वो तो हम कहीं भी जाते हैं, कहीं देश विदेश में जा सकते हैं, नौकरी के लिए अलग है, वो निकलना नहीं होता। तो खैर अब सबका जो अपना विचार है वो कहते हैं अपनी बात, और नहीं, आपकी खासकर बात, मुंबई एक में जा, बात, आपकी एक बात, ये सारे उन ये बात जो है ना, इन सारे उन आयवानों में चली जानी चाहिए जो ये कहते हैं और ये मानकर चले गए। क्यों, एक इंटरव्यू में मैंने इसको बहुत मतलब बुरी तरीके से, मेरे मुझे एक आदमी मतलब वो इंटरव्यू था कि हमारे प्रपोजल का ही था, और ये मैं आपको सीधे बताऊंगा, जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन में एक एज डायरेक्टर में किसी का प्रोजेक्ट कर रहा था प्लीड, और उसने प्रोजेक्ट बनाया था कश्मीरी विस्थापित जो रहते हैं, जो उनमें रहे थे मतलब 20 वर्ष 25 वर्ष से कैंप्स में रह रहे थे, और वहां पे उनका क्या हाल हो गया था और किस तरीके से इग्नोर किए गए थे। उसका कहना था कि देखो भैया ऐसा तो है, इस पर क्यों प्रोग्राम बनाए, वो तो आप सेटल हो गए हैं, यानी अगर आपने कुछ नहीं किया किसी के लिए और उनको पड़े रहने दिया धूप में तो वो सेटल हो गए। और मतलब कितना गलत है ये, जो कि एथनिक क्लींजिंग है, जो कि एथनिक क्लींजिंग है, जो कि एक अपराध है, हाँ, उसको ना तो एड्रेस किया गया कभी, और ना उस प्रताड़ना को और उस यातना को कभी किसी भी, जो आप, हम सिर्फ कश्मीरी साहित्यकार लिखते हैं, कोई किसी भी साहित्यकार ने, किसी अखबार नवीस ने, किसी मीडिया ने इसके बारे में वर्षों चर्चा नहीं की, एक चुप्पी रही सारे हिंदुस्तान में। इंसिडेंट सुनाती हूँ। मैंने कहा हाँ था जी जब ये हुआ, 90 में हुआ था ना ये जी जब निष्कासन, तो जी फिर मैं उस तो हम आ गए थे वहां से, जी भुवनेश्वर में थे, दिल्ली में रहते, यही गुड़गांव में रहते। तो मैं बेटी के साथ गई, बेटी को भी वो शादी के बाद वो मचने में गए, उनका सब कुछ वहीं था, मचने में अपना सलवार कुर्ता 2 दिन उठाया चले गए, काफी खोया हम सबने भौतिक दृष्टि से भी, पर उससे भी ज्यादा ज्यादा खोया जो हमने, जो हमारा हमारी अस्मिता के प्रश्न से जुड़ा हुआ है वो कर। तब गए हमने कहा देखिए, उसने कहा शादी के बाद गए थे, वो होता है ना मेरा ये मेरा वो सब रह गया। तो हम गए थे यहाँ, यहाँ से हमें जम्मू, जम्मू तक तो गए थे भाई, और जम्मू उन दिनों आपको याद होगा वो हवाई जहाज कौन सी थी, वो 2-3 आर्मी वाले अगवा हुए थे उन दिनों, शायद आपको याद होगा, 90 के बाद 90 में ही, 91 जैसी बात है। तो मतलब वो बहुत बड़ा जो स्थापन वो हुआ था, तो कश्मीर में काफी उस वक्त डर का माहौल था। तो खैर हम जब उसे सबने बोला प्लेन तो नहीं जाएगा, टैक्सी से जाओ, मेरे भाई नाराज हो गए, वो तुम तो जा रहे इस भी जाए, क्योंकि मेरी बेटी के साथ थी, हम 2 ही गए थे, फिर वहाँ उनका नौकर था वो हमारे साथ आया था। तो कहते इसको क्यों ले जाओगे, मैंने कहा कुछ नहीं होता, देखेंगे इस मामले में, लेके का मैं जरा बहादुरी भी दिखाती हूँ कभी कभी। तो खैर हम करना कर तो जा नहीं पाए क्योंकि टैक्सी वाले ने मना किया, मैं नहीं जाऊँगा, गोलियां वोलियां चल रही थी। पर मेरी बेटी का घर वहां पर है, दुर्गा नाथ के पास है ना, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा बिना, तो वो थोड़ा सेफ एरिया माना जाता है। तो वहां तक हम गए, बेटी का थोड़ा बहुत देखा देखा तो ले आए वापस, क्या तजुर्बा हमें वहां, तो लंबी चौड़ी कहानी मैंने लिखा है, समय लगेगा बोलने उसमें। मैंने एक लिखा है, कभी जल लिखा है मैंने, ये मेरा कश्मीर नहीं, किस तरह हम वहां गए, छुपे छुपे गए, चाबी ले ली पड़ोसी के साथ किसी पास, अंदर गए तो देखते हैं कोई कांगड़ियां गिरी हुई, कोई कैंप आके बोतलें गिरी हुई, किचन में गए तो कोई खाना बना बना चुका है, वहां रह रहे थे लोग पीछे शायद आदमी से छुपने के लिए। तो
तो खैर वहां पर सामान वामान देखकर मेरी बड़ी बहन शान से गई किचन देखने अपना, तो देखते अरे यहाँ तो खाना बना रहा बना हुआ है। तो हमने क्या देखा उस वक्त, अंदर गए तो मैंने कहा चलो देखू मैं भी। वो थोड़ा मोटा मोटा सामान उठा लेते थे, बैगों में भरते थे जैसे चोरी करते कुछ। तो खैर हम गए तो पहले वहाँ एक जैसे बंगला सुंदर था, बंगला था पीछे का भी एक दरवाजा था उसमें, तो वहां से कोई घुसा था अंदर, तो हमें पता नहीं वो बंद था दरवाजा अंदर से, छोटा सा कमरा डाइनिंग रूम समझ लीजिए। तो मैं गई मैंने खोला, हमारे साथ जो लड़का आया था उसके पास चाबी थी, वो दूर बैठा वो कहता खोलो मत आ जाओ जल्दी आ जाओ, उसको शायद पता था वहाँ कोई रहता है। तो खैर हम गए तो मैंने खोला, जिद मैंने क्या है उधर, चार जने बैठे थे आप विश्वास की, दोनों हाथ पीछे चार कुर्सियों पर, पीछे हाथ दोनों पर, जरूर के हाथों में कुछ ना कुछ तो होगा जो भी होगा। हम एक था बड़ा जैकेट वैकेट पहने वो आ गया, नमस्ते जी नमस्ते जी। मैंने कहा आप यहाँ क्या करें, मैं समझ में नहीं वही चार जने क्या करें। जी हम यहाँ रहने आए हैं। मैंने देखा कुछ है सामान वामान तो रहने के आए हैं। मैंने कहा आपका, वो उधर से इशारे मुझे दिखा रहा बेचारा, कहता है जल्दी आओ मारी जाओगी तुम। तो खैर हम उनको बता देंगे, हम जम्मू में रहते हैं ना उनको बता देंगे हम यहाँ रहने आए। तो फिर मैंने वो उधर से इशारे दिखा रहा, जल्दी मैं दरवाज़ा बंद किया, हम भागे जैसे बोलते हैं ना कैसे सिर पर पैर रखकर हम भागे वहाँ से। वो ये क्यों, इस बीच में दो बार दो जने, एक बंदा आप दूध लेना चाहेंगे, आप दूध देंगे, वो दूध का टाइम ही नहीं था। आप ऐसा ना देख रहे कौन आया, क्या रहने आया या नहीं आया। तो हमने कहा भैया इनको बोलो, मैंने कहा भैया नहीं दूध वो नहीं, कल बताएंगे, हमने ये नहीं बताया हम अभी जा रहे हैं। हमने सोचा देखो शाम तक कम से कम यहाँ से निकले हम, तो बहुत माहौल ऐसा बहुत खराब माहौल था। खैर कैसे भी हम आए वहाँ, फिर मैंने यहाँ आकर एक लेख लिखा, ये मेरा कश्मीर नहीं, ये देखिए सुनने वाली बात, पत्रकार महोदय जो आपने को बहुत पता नहीं चौथा स्तंभ मानते हैं, तो मैंने उनसे एक संपादक थे क्योंकि छपती तो थी मैं कहानी वाले छपती थी, तो बोले आपने क्या लिखा। तो मैंने ये लिखा आप देखिए, उन्होंने देखा ठीक है, कुछ और दीजिए। मैंने कहा क्यों इसमें क्या है कोई गलत बात, नहीं कुछ और दीजिए। वो कश्मीर के बारे में बोलना ही नहीं चाहते थे, कहना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मन नहीं है तो मैं आगे, फिर मैंने मृणाल पांडे से बात की, मृणाल पांडे इस बात में ज्यादा मतलब समझती है बात को। तो मैंने कहा मृणाल मैंने ये लिखा क्या, बोले दे दो मुझे, दे दिया उसने छापा हिंदुस्तान में, छापा हिंदुस्तान, उसकी बहुत चर्चा भी हुई, बहुत बड़ा आपने देखा नहीं हो कभी, आप देख लीजिए बहुत मन मन ऐसा हो जाता, द्रवित हो जाता वो देखकर। तो खैर मेरा कहने का मतलब है उस वक्त हुई, ये समय 90s का था, अर्ली 90s, कोई कश्मीर के बारे में बात नहीं करता था, और कोई सवाल ही तो छापना तो सवाल ही तो लिखने का तो और भी सवाल नहीं। अब अचानक जैसे पांडे जी हैं और भी हैं कई कई लोग ने, और मेरे कश्मीरी तो खैर लिखा है उनकी तो अब दिखते रह गए वो तो लिखेंगे, मनीषा कुलश्रेष्ठ ने लिखा और भी कई लिखा। मैंने उनसे मनीषा ने कहा ठीक है, उसका जो हीरो हीरोइन है वो कहीं ऑस्ट्रेलिया में कोई कहीं पर है, तो उसने वो अवॉइड किया है, वो उस संस्कृति को जानती नहीं, जो हमारा जो तरीका था जो जीवन शैली वो नहीं जानती उसके एक बारे में। एक बहुत बड़ी विडंबना रही है, और अपने अपने तरीके से यहाँ के लोगों ने उसको जिस तरीके से सामने रखा वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड रहा है। भीष्म साहनी ने भी लिखी को, हालांकि भीष्म साहनी रहे थे वहां काफी देर, वो ऐसा लगा जैसे सैलानी हुआ, क्योंकि वहां की आत्मा वो नहीं समझते। ऐलान के लिए इसलिए भी पसंद है क्योंकि उसमें कश्मीर की आत्मा है, बिल्कुल वो लगता है बिल्कुल है, कश्मीरी है। बिल्कुल है, खैर ये कहने का मतलब मैं यही कहना चाहती थी। और कुछ कश्मीरी राइटर्स के बारे में जो जो मतलब उभर के आए हैं सामने, उनके बारे में कुछ बता दीजिए आपको। जो कश्मीरी भाषी जो है वो उसमें बहुत कश्मीरी वैसी हिंदी राइटर्स हैं, हिंदी राइटर्स आपके हिंदी के राइटर्स हैं काफी लिखने लगे हैं। पहले तो मुझे नहीं लगता ज्यादा लिखते थे हिंदी में, कहानियां वाने तो आप पहले भी लिखते थे, कहानियां वाने हरिकृष्ण कौल लिखते थे कहानियां, और आपके एक और थे जो हिंदी प्रेचीनाथ पुष्प लिखते थे, पर कहानियां नहीं लिखते थे। प्रेचीनाथ पुष्प जी को भी मैं जानती हूँ, मुझे यहाँ भी मिले थे वो दिल्ली में भी एक बार, मुझे मालूम नहीं पहले कौन लिखते। हरिकृष्ण कौल की कुछ कहानियां मैंने सुनी थी, मैंने पढ़ी थी। रतनलाल शांत क्या पहले लिखते थे मुझे नहीं मालूम, पर बाद में उभर कर आ गई। मुझे लगता है वो कश्मीरी में जाए, उनको कश्मीरी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है कश्मीरी में लिखने में, हिंदी में नहीं मिला है। तो फिर बाद में उभर कर आगे अग्निशेखर क्षमा वगैरह आप लोग आप तो लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, और महाराजा भरत भी, महाराज तो दो चार हैं, महाराज कृष्ण भरत है और महाराज शाह है और कौन है महाराज एक और भी संतोषी महाराज कौन है संतोषी महाराज संतोषी संतोषी
लगता है, काफी कहानियां अच्छा बहुत लगता अच्छी लिखते हैं, और उनका भी मैंने अभी अभी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था आपके इंटरव्यू से है। पहले। हाँ, उतारना कोई वैसी बात नहीं। अर्जुन देव मजबूर तो वैसे कश्मीरी थे, पर उन्होंने भी एक काफी अच्छी संजना चीज, संजना कौल है, संजना कौल, उसने भी बहुत अच्छी कहानियां लिखी। छोटा सा उपन्यास लिखा है उसके पर, अच्छा लिखा। मैंने उसकी जी तारीफ नहीं देखी है, वो का पाशा जी जो लिखा वो जी जैसे, पर उसमें एक बात है वो इसने अर्जुन देव मजबूर ने भी इस पर कहा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो लगता है मतलब जीवंत लगता है, पर वो घर से लेकर कॉलेज तक बस उसके बाहर नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मैं जो भी उपन्यास लिखती हूँ दुनिया भर की चीजें, मुझे लगता है जब तक तो पूरा परिवेश पूरा इतिहास पूरा ये ना आता तो मुझे तो लगता है अनु, थोड़ा वो मेरी अपनी बात है, अपना सोच है। आपका आपका कथा सती सर है, या और बहुत सारी नॉवेल्स जो हैं वो पाठ्यक्रम में भी हैं और पढ़ाई जाती हैं। आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब जो भारतीय नई पीढ़ी है, नई चाहे भारत में कहीं भी रह रहे हों, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? कश्मीरी तो लिखते हैं और अपने बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने नाम तो दो चार लिए, आपका भी नाम लिया, अनु शेखर का भी नाम लिया, नमा का भी, रंजना, ये लोग बराबर लिख रहे हैं, महाराज संतोषी लिखते हैं, और कोई कश्मीरी है मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, दीपक कौल है शायद कुछ नाम से आपके ये हैं, जी पर वो नहीं लिखते। सुशील जी, सुशील पंडित है, वो कहानी वाने नहीं लिखते, पर वो बहुत अच्छा बोलते हैं, कश्मीर के बारे में काफी जानकारी रखते हैं हिंदी में। तो कश्मीरी साहित्य तो विस्थापन का साहित्य आप कहिए कुछ कहिए, पर काफी आप बड़ी मात्रा में लिखा जा रहा है, बल्कि कश्मीरी जी जो जैसे मोतीलाल शाह की थे आपके, वो भी बहुत उनका अनुवाद भी हुआ है, जैसे घर में रहकर की बात है, वह हमेशा याद रहता है, घर रहा ऊंची जिंदा जनता है, घर खोना जिंदा ही चिता पर लेटने की समान है, घर खोने का दुख वही जानता है जिसने अपना घर खोया हो, तो घर को अपना खोला। जी पर मैं एक बात कहूंगी, मुझे अभी याद आया है, टॉमस एल फ्रीडमैन, आपके नाम सुना होगा, फ्रीडमैन का नाम, पत्रकार था, उसने लिखा तो आजकल जिस युग में हम जी रहे हैं, जाहिर है ये युग दूसरा युग है, नया युग है, कंप्यूटर्स का युग है, सूचना क्रांति का युग है, वो कहते हैं देखिए विश्व व्यापार नीतियां हैं, सूचना क्रांति है, जो भी है बहुत कुछ देती है आप, बहुत कुछ, आप इधर में बैठी हूँ और आपको देख रही हूँ, विदेश में बेटा उसके साथ बात कर सकती हूँ, बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत कुछ देता है आपको, जोड़ता भी है, पर वो आपको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता, वो आपको एक अच्छा बेटा नहीं बना सकता, ये वो कहता है ये क्षमता सिर्फ, वो बोलता नहीं साहित्य, मैं उसको खुद बोलती हूँ साहित्य, वो कहता है इसके लिए आपको आपके पूर्वजों ने आपके आंगन में पिछवाड़े में ऑलिव ट्री, ऑलिव ट्री बोया है, ये कहता है सेव योर ऑलिव ट्री, आप जो ऑलिव ट्री आपका जो पूर्वजों ने आपको विरासत आपकी संस्कृति उसको बचाओ, क्योंकि वही आपकी निजता है, वो निजता ही हम हमने खो दी, जो बहुत अफसोस की बात है, वो निजता बचाना है, नहीं तो आप कुकी कटर का कल्चर का हिस्सा बन जाएंगे, वो ही रहा है, कहाँ रहा वो कश्मीर में कहाँ रहा, मैं देखिए उसमें अच्छाई नहीं बुराई, बुराई ये अच्छाई ये है कि चलो आप एक बड़े समाज के साथ जुड़ जाते वो ठीक है, पर बुराई ये कि आप अपनी संस्कृति बोल रहे हैं, अपने समाज से कट देखिए जाते हैं, उसमें अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। आप देखिए अपना कितना कुछ है, मैं तो खैर बहुत पीछे आप जाए, आप तो जानते हैं शैव दर्शन जानते हैं, आप जानते हैं अभिनव गुप्त जानते हैं, अलका लहन बिलहन किसको नहीं जानते आप, कितनी विरासतें मिली हमें, लालदत्त जैसी, मुझे याद है घर में हमारे लालदत्त माम मेरी गाती थी लालदत्त को, ये तो पोए टो ठो पो पे चला ली थी, लालदत्त हमारे जीवन में समा गई थी, ऐसा नहीं था विरासतें थी, ऐसा आज भी है, लालदत्त बहादुर अन्य मान लगा, हम कहाँ बोले हैं, हम नहीं बोले हैं, तो ये मुझे लगता है बोलना जरूरी नहीं। मैं अभी आपको एक बात, ये मुझे मेरे सामने है अर्जुन देव मजबूर ने लिखा था कुछ मुझ पर, मुझे याद है जब व्यास सम्मान मुझे मिला उन्होंने कुछ दो पंक्तियां लिखा है, तमिस यस व्यास दई गोमुत तमिस वाणी मखस पेट वा सरस्वती हंस दया छ सठा चंदन हारस्त शारस मुबारक, उन्होंने लिखा है इसको, मुझे बहुत अच्छा वेरी लगता है, बहुत बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बढ़िया। है अपने लोग अपनों को न समझे तो दूसरा क्या समझेगा, पर मैं आज भी बार बार कहती हूँ सभी को, एक आपने कहा ना कहना कहना, देखिए जो लिखा आपके हाथ में कलम है आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उनको कहती हूँ अगर आप कश्मीर पर लिखी, ये नहीं मेरी बपौती नहीं है कश्मीर, अगर मैं कोणार्क पर लिखा है तो वो भी मेरी बपौती नहीं थी, लिखा मैंने
क्योंकि आपका विस्तार होता है, दृष्टि का विस्तार होता है, साहित्य मात्र एक जगह नहीं ठहरता। मैं उनको कहते आप यातना समझिए, मनुष्य की यातना देखिए, हिंदू मुसलमान मत देखिए उसमें ज्यादा। मुझे याद है एक JNU में एक बार एक गोष्ठी हुई थी, तो वहां पर मुझे भी बोलने को कहा था उन्होंने, मैंने तो विस्थापन पर ही था, वो निष्कासन पर समझिए। तो फिल्म भी बनी है ना, छोटी छोटी फिल्म उन्होंने बनाया, सिद्धार्थ क्या गिगू है ना, एक उसने एक फिल्म हाँ जी बनाई हाँ थी जी, जो फिल्म बनाई है। रैना रैना भी था, एमके रैना। तो एक जब बात हुई, को जाहिर है वो अपना ही दुख ज्यादा बोलते थे, तो एक मुस्लिम भाई था पर वो उठा, आप जी हिंदू के की बात करें तो की आप मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। फिर मैं उठी रो कर उनको, मैं बात करना चाहती, मैंने कहा आपने कथा से तो पढ़ा, इतना धैर्य किसमें 600 पन्नों का उपन्यास पड़ेगा। मैंने कहा उसमें मैंने पूरा 15 पेज दिए हैं, उसमें काली रात की स्यापे, उसमें मैंने लिखा तरह मुसलमान औरतों की जो माए हैं उनके बच्चे जब हाथ कटे हुए आते मर मारे जाते हैं, ठीक है बाहर उनको लगता है दीन धर्म के लिए होता है, पर उनको भी दुख है, उनकी बेटियां जब बलात्कृत होती उनको भी दुख होता है, मैंने उनका दुख ही लिखा। ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, दुख तो सबको भोगना ही, जो तलवार उठाई इधर की लेकिन उठाई। फर्क सिर्फ इतनी है कि हाँ, आपने ये बोला कि दोधारी तलवार जिसने उठाई उसको, अगर वो हमको मारता है तो वो खुद भी मरता है, तो नहीं उनका ये मरेगा डिसीजन नहीं, गलत है। हाँ, गलत डिसीजन गलत है। अब मेरे गलत कल ही मैंने एक युवा कश्मीरी पंडित लड़के से बात की, जो कि आतंकवाद के बाद मतलब बाहर आया। उसने जब अपनी स्ट्रगल की बात की, आशीष कोल, उसने जब अपनी, वो देखना चाहिए, हर मुसलमान लड़के को देखना चाहिए, हर हिंदू लड़के को देखना चाहिए, कि ये कोई मतलब पोटली में बांध के आपको कोई खिला पिला नहीं सकता। आपको ये अर्जन करना पड़ता है, आपको ये श्रम करना पड़ेगा, फिर आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं। कितना श्रम किया उस लड़के ने, और कितना बहुत जबरदस्त, तभी तो वो जो है XVP, इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ब्रांडिंग का, जी टीवी इतने बड़े चैनल का बना, जो कि शुरू में वो चैनल चल रहा था, बोला तैश में आके, गुस्से में आके हमारे बच्चे भी कुछ ऐसा सोचने लगे थे कि मारा मारी करेंगे, लेकिन उनको दिशा मिली, उनको अच्छे लीडर मिले। मैं उन लीडरों का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने उनको एक दिशा दी, उन्होंने कहा नहीं, पढ़ो, इकरा पढ़ो, तुम लोगों का काम बंदूक चलाना नहीं है, तुम लोगों का काम ये नहीं है, तुम लोगों का काम है अपनी पर्सनैलिटी और अपनी शख्सियत को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करना। और ये उनको कोई नहीं बताता है वहां पे, जो कश्मीर में वो उपद्रव करते हैं, पॉलिटिक्स का ज्यादा शिकार होते हैं। जी, पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। पॉलिटिकल आदमी को क्या जरूरत है, उसको तो सिपाही मुहूर्त की जरूरत है, और वो बेचारे कुर्बान के बकरे बन जाते हैं। जी कॉल ने भी एक बार कही थी जब मैं उनसे मिली थी, वो बोली देखो ये जो इनोसेंट लोग उनको बोलते हैं धींद है, वहां पूरी मिलेगी वो मिलेगी कुछ पैसा मिलेगा जो भी है, तो उनका दोष थी कहते हैं पीछे कोई है जो उनको करवाते हैं, ये सब तो हम ताकतें जानते हैं। हैं, हाँ, जो भी उन पाकिस्तान लोगों को सोचना में। है, उन लोगों को सोचना है कि उनको वो इस रास्ते पे ना जाने दे, जो रास्ता आत्मघातक है, जो और आत्मघातक मैंने रास्ता है। बात आत्मघाती तो है ही है, अब कुछ सुधर भी गए हैं, अभी भी बाहर के हाँ, आतंकवाद का इन्फ्लुएंस आहिस्ता होता आहिस्ता समझने आने लगा है बच्चों को, अब तो IS KS में लगे हुए हैं। बहुत खुशी होती है ऐसा उनका डेवलपमेंट देख के, और है। एटीट्यूड लगा उनका। हाँ, कितना वो खुश था इस पर, ये 370 धारा वाला, मैंने इस नए उपन्यास में 370 धारा का थोड़ा जिक्र किया है, बहुत ज्यादा नहीं, मैंने वहीं पर एंड किया उसका, तो यहाँ ऑब्वियसली करने लगे। मैंने कहा देखिए मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ 370 धारा, किस लिए खुश हूँ मेरा, देखिए मेरा ये कोई पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं, मेरा वहां पर तो कुछ है ही नहीं, घर भी खत्म है, वह हाँ, कुछ पर हो सकता कोई जाए जो अभी भी दर्दपुर में रहते, जो जो क्यों नहीं जाएंगे, अगर आपका वतन है वो क्यों नहीं जाएंगे, मेरी तो उम्र हो गई मैं कहाँ आप जा पाऊंगी, हो सकता है मेरे बच्चे अगर खुल जाए पूरा आतंकवाद खत्म हो जाए, क्यों नहीं जाएंगे बच्चे, जब हम देश देशांतर में जाएंगे वहां क्यों नहीं जा सकते। मैं नहीं, कहती क्यों नहीं ऐसा जाएंगे? नहीं कर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, कश्मीर के मुस्लिम्स जो हैं वो बाहर नहीं आते हैं, उन्होंने यहाँ भी मतलब संपत्तियां बनाई हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, है ना? और वहां यहाँ उन्होंने बॉम्बे छोड़ा है क्या? बॉम्बे हमारे जी, क्यों पड़ोस में ही छोड़ा, कितने लोग हैं। फिर भी मुझे लगता कुछ तो आपने निजता रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, और ये बहुत जब उनका अपमानजनक है, मैं जनक है आपको निकाला गया, और मैं कहती हूँ ये जी स्वतंत्र गणतंत्र में ये पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था, चलो अंग्रेजों की नीति थी जो कुछ भी था वहां, अगर दुख होगा यहाँ भी होगा, मैं कहती हूँ दोनों में दुख होगा, पर फर्क है बहुत बड़ा फर्क है, जी आप विलिंगली, बाकी पॉलिटिक्स
पर इसको तो जानते ही, आजकल बहुत चला, उसके बारे में नहीं बात करें तो अच्छा है, पर ये जरूर है कि एक आपने एक लिखा है अब्बू ने कहा था, इसमें कुछ थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइए ये क्या है, अब्बू ने कहा था। लड़की मिल, जब हम गए थे ना एक बार, क्षमा भी थी वहां पर, तो खैर क्षमा थोड़ा ज्यादा हो जाती है, अगर हम सभी है थोड़ा, जिसने भोगा है वो तो होता ही है। तो वहां पर एक लड़की मुझे मिली, वो कुछ एमबीए कर रही थी, बड़ी सुंदर सी, अच्छी लड़की थी, बट वो थोड़ा बहुत हिंदी जानती थी। वो दिन मैं लिखती हूँ, पर मैं उर्दू में लिखती हूँ, मैंने कहा, वो बोली मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं अलग से बात करना चाहती हूँ। तो फिर बाद में मुझे मिली, कहा मैंने कहा बोलो, मैंने उस पर कहानी लिखी, जलकुंड का रंग और कुछ ऐसे नाम का भी याद नहीं, इतनी कहानी लिखी नाम भी याद नहीं आता, नुसरत की आंख, दूसरे नाम था उसका, तो जलकुंड का रंग और नुसरत की आंखें। जलकुंड का रंग कभी हल्का गुलाबी हो जाता था, अब तो काला ही है, होगा अभी तो वो बोली, मैंने कहा क्या क्या कहना, बोली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम मानते हैं दोषी, आर्मी ने भी बहुत कुछ गड़बड़ किया है, मगर असल में दोषी हम हैं, उसने बोला, ये कहा ये काम हमने शुरू किया है, इसे हमें ही खत्म करना खत्म है, ये करना बस लड़ हमने। मैंने कहा तुम कैसे बताती, मैं जानती हूँ उसका भाई था, मेरा भाई मारा गया, उसको आर्मी ने नहीं, उसको अपने ही लोगों ने मारा, क्योंकि इनके भी अलग अलग धड़े हो गए ना, कोई इसमें, कोई जेके में, कोई काफी ये हो गया इनमें, क्या क्या नाम है विधान में नहीं आ रहा मुझे, तालिबान बने, कोई कुछ बने, तो कहते इनके जो अलग अलग धड़े बन गए वो एक दूसरे के दुश्मन है, अगर तुम तो मेरे खेमे में नहीं हो तो दुश्मन, उसके मारा, कहता वो बहुत रोई, लाल आंखें, दूसरे की आंखें, बहुत लाल रोते रहते, मैंने कहा क्या हो, कहते वो इंजीनियर बनना चाहता था, मासूम था, पर वो लग गया इसमें, आ गया तो मारा गया। बहुत तो ऐसे खैर नौजवान बहुत दुख होता है अंदर से, ऐसे नौजवान जो कि बहुत चमक सकते थे, अपनी लाइफ बना सकते थे, कहाँ को खंदक पर में डाल देखिए, दिया बेचारों को। मैं ये कहती हूँ कम से कम कश्मीरी पंडितों का दोस्त तो नहीं है, एक बार नामर सिंह ने बात की थी, मैंने उनको समझा, नामर सिंह को बताया मैंने, बोले हाँ चंद्र, पर कश्मीरी पंडितों ने मुसलमानों पर अत्याचार किया। मैंने कहा नामर साहब वैसे कुछ, आप कह रहे हैं कश्मीर में तो राज कब था, पता नहीं 12वीं 13वीं सदी तो उसे पहले ही खत्म हो गया था, भाग कभी डोगरे आए, कभी सरदार जो भी आए, तो कौन था। फिर उन्होंने पढ़ा तो मुझे बाद में कह, जब मुझे मेरा सामान, बोले चंद कहाँ था, मैं तुमसे माफी, मैंने कहा आप इतने बड़े हैं आप माफी क्यों मांगेंगे, मैंने पढ़ा, मैंने कहा आप 600 बनकर को अपना सुबह से पढ़ नहीं पा सकते थे, आपके पास इतना टाइम कहाँ है। तो बहुत बाद में बहुत तारीफ करते थे, हम कभी गौरी शंकर रैना है ना, वो भी तो लिखता है, तालिबान जी में जी लिखी, तो वो उन्हें इसमें था, आकाश इसमें था, रेडियो में, तो नहीं, दूर रेडियो नहीं, दूरदर्शन में, पेपर, दूरदर्शन वहाँ दूरदर्शन में। पर सोमवार को एक प्रोग्राम आता था, उसमें एक किताब पर चर्चा होती थी, उस पर कई अच्छा कई के जो थे चर्चा पर आता नहीं, कथा से जिस पर भी, और मेरे एक है, मेरा एक है वो हाशिए की इबारत है नाम से, थी मजा जी उसमें, कश्मीर कश्मीर, हाँ, वो वो माँ टू है थाउजेंड बड़ी, अलेवन में आपने छपाया है हाशिए की हाँ इबारत। उसने बहुत तारीफ से कहा, वो जैसे लाल दत्त को गाना, अरिमान को गाना, हबा खातून को, मतलब हम इसमें नहीं मानते हबा खातून, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होता, तो उसने बड़ी तारीफ, हमेशा वो हर पूछा अच्छा हवा खातून तो हमारे, उसके गीत तो हमारे स्त्रियों के जुबान पे सारे, मतलब बिल्कुल, कश्मीर में वो तो हमारी आत्मा है हवा खातून, उसको कैसे कोई बुला सकता है पहले सॉरी हवा सॉरी खातून। मैंने हम कैसे मतलब उन सूफी शायरों को बुला बोलते, सकते हैं। हाँ जिनके वो तो मैं हमारे एक हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है, हमारे बहुत मतलब दिल के करीब हैं, और उन्होंने जो कथन कहे हैं, जो 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 उनका मूल्य है, नुंद्रिश को कौन बुला सकता है। लाल दत्त और तो कबीर से तो आगे शिवयोगिनी होने के बाद भी कितनी समाज सुधारक रही है वो, और क्या क्या जी जी उसने नहीं, जी परां परां जल अलम आप कुजिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल के मेरे साथ बातचीत की, और बहुत ही खूबसूरत बातें आपने बताई, और मन नहीं करता है बाकी अभी ये प्रोग्राम बंद करने का, लेकिन चूंकि मतलब समय समय का, हाँ 15 मिनट और इसको एक्सटेंड किए हैं, 14 मिनट और कुछ सेकंड किए हैं बात करते करते जी। भी नहीं पड़ा क्या, आपको आपको बात पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला, मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटा 14 मिनट और 17 सेकंड हो गए हैं, तो मैं आपसे ओह विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे, चलिए, फिर आपसे चलो जी भर के बातें करेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे चलो, लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार।